यो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर माइकल द इल्यूमिनाटी के एपिसोड में। दोस्तों, आप सभी लोगों का यार मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यार, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग गाइज यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और भाई मज़े कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का। सबसे पहले तो वीडियो के ऊपर मैं 5000 लाइक्स का एम कर रहा हूँ, तो मैं 5 सेकंड का वेट करूँगा, तो जल्दी से जाइए लाइक का बटन दबा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। आई होप के आप सभी लोगों ने दोस्तों लाइक का बटन दोस्तों यहां पर जो है दबा दिया होगा दोस्तों। और अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं आपका कमेंट अपनी वीडियो के अंदर पढूं, और आप सभी लोग अगर इल्यूमिनाटी गैंग के अंदर ज्वाइन होना चाहते हो, तो फटाफट जाओ कमेंट कर दो। जब आप डेली डेली मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करोगे ना, तो मैं आपको डेली डेली हार्ट दूंगा, और उससे क्या होगा, आपके नाम के आगे ना पर्पल कलर का हार्ट आ जाएगा। उसका मतलब बस यही है कि आपने इल्यूमिनाटी गैंग को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है ना दोस्तों। और मैं अपनी मेंबरशिप भी ना दोस्तों यहाँ पर बहुत सस्ती करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा सस्ती, जिससे कि हर बंदा हमारी मेंबरशिप यहाँ पर ले सके और हमारी इल्यूमिनाटी गैंग का जो है यहाँ पर साथी बन सके, ठीक है ना। चलिए, आज मैं फ़िलहाल अपने घर पर हूँ, और कल के वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा था मैंने डेविन वेस्टर्न का ही पैसा चोरी करके, आज मैं डेविन वेस्टर्न का ही दोस्तों यहाँ पर घर खरीदने वाला हूँ। फिलहाल वो पैसा कहाँ पर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, फिलहाल पैसे को मैंने दोस्तों यहाँ पर जो है रख रखा है, ठीक है। और मैं अपने घर पर हूँ, और कुछ नए चीज़ें भी यहाँ पर हुई हैं, अभी आपको जो दोस्तों दिखानी है। सबसे पहले तो यार देखो, यहाँ पर मेरा जो कार कलेक्शन है, आपने कल वाला कार कलेक्शन तो देखा होगा, कैसा लगा, मज़ा आया तो फटाफट कमेंट करके बताओ, और अगर अभी तक नहीं देखा तो फटाफट जाकर कल वाला वीडियो भी देख लो। तो सबसे पहले यार आपको पता होगा, उस दिन जब मैं यहाँ पर ट्रावर के साथ वो गन वाला बंकर देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर गया था ना, तो वो जो मेरी जी वैगन थी, वो यहाँ पर डगन बॉस की जो टाइगर सिक्योरिटी है, उसने ब्लास्ट कर दी थी, ठीक है ना। और एक हमारे सब्सक्राइबर जो कि मुझसे पूछ रहे थे, आरिश भाई अगर मतलब जो उसकी मतलब डगन बॉस की टाइगर सिक्योरिटी है, वो तो आपकी सारी गाड़ी ब्लास्ट कर देगी। हाँ, वो सारी गाड़ियाँ ब्लास्ट कर सकती है, बट सिर्फ ये चीज़ नहीं ब्लास्ट हो सकती है दोस्तों, ये जो टैंक है ना, जो कि तुम्हारे भाई के पास ये वाला टैंक है दोस्तों, ये ब्लास्ट नहीं हो सकता है, ये किसी चीज़ से ब्लास्ट नहीं हो सकता है। सिर्फ एक गाड़ी आती है, वो पूरे वर्ल्ड में शायद एक या दो ही है, बस उन्हीं से इस टैंक को जो है ब्लास्ट किया जा सकता है, वो भी इसके ऊपर 25 से 30 मिसाइल लगने के बाद, अदरवाइज नहीं होगा। चलो भाई, ये भी सही हो गया। बाकी एक अपना सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर है, मैंने कुछ एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ नीचे भी दोस्तों लगवा दिए, क्योंकि यहाँ पर अपनी गाड़ियों के ऊपर थोड़ी सी भाई सेफ्टी वगैरह करनी होती है ना, ठीक है। और जी वैगन तो आपको यार पता है मेरी जो है ब्लास्ट हो गई थी यार, मेरी जी वैगन, तो बस जी वैगन अब मेरे पास है एक, जिसके अंदर यहाँ पर वेपन्स वगैरह भी लगे हुए हैं, तो बस मैंने कहा यार वही ठीक है, और दूसरी जी वैगन का मैं यहाँ पर दोस्तों करता भी गया, ठीक है ना, छोड़ो अब कोई दिक्कत की बात नहीं। तो गाइज यार यहाँ पर ना एक चीज़ हो गई थी, मैं आप सभी लोगों को बताना चाह रहा था, मैं इतने सारे दोस्तों यहाँ पर डॉग्स वगैरह ले आया था ना, तो आपस में ना इनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लड़ाई वगैरह होने लग गई थी, ठीक है ना। रात को भौंकने की आवाज़ आ रही थी, तो कुछ डॉग्स है जो कि एक साथ रहते हैं, कुछ अलग रहते हैं, कुछ किसके साथ रहते हैं, कुछ किसके साथ, देखो जैसे मैं बताऊँ, जिसके लैब्रा है, ये रोटविलर है, और ये पग है, और यहाँ पर एक और लैब्रा है, ठीक है। तो गाइस दो लैब्रा है मेरे पास और ये हैं, ठीक है ना, तो ये आपस में प्यार से रहते हैं, ठीक है। फिर कुछ ये हैं दोस्तों, ये भाई ये अलग हैं, ठीक है, बट ये वाले जो पक्की नस्ल है ना, इस वाले पग से बहुत ज़्यादा ये लड़ रहा था, तो फिर मुझे इन दोनों को ना दोस्तों यहाँ पर अलग करना पड़ा, ठीक है। फिर एक अपने यहाँ पर ये हो गए, ठीक है। और अभी आपको डमरू की कहानी भी सुनाऊंगा, रुक जाओ, भी आपको पता चलेगा पूरा। अपना टाइसन तो यार यहाँ पर है, टाइसन वैसे लड़ता नहीं है, चीनी मिनी चिंकी मिंकी जो है दोनों वो यहाँ पर हैं, ठीक है। और अपना एक डॉग यहाँ पर है, तो ये तीनों प्यार से रहते हैं। चिंकी मिंकी को वो डॉग्स यहाँ पर परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने इन सब के ना थोड़े से भाई ये केजेस वगैरह ने यहाँ पर अलग अलग कर दिए। मैंने कहा अब इनके अंदर एटलीस्ट लड़ाई तो नहीं होगी ना, ठीक है ना। लड़ाई वगैरह करते हैं ना तो भाई बेफजूल में
डर लगता है यार, मतलब कुछ हो ना जाए। तो गाइस जो मंकी है ना, ये हमें हमारे एक फैन है उसने दोस्तों गिफ्ट किया है, इल्यूमिनाटी वाला ही है, उसने भी दोस्तों भी लेटेस्ट ज्वाइन किए, तो वो ये बोल रहा है कि ये देखो मैं आपके लिए मंकी लेकर आया हूँ। तो उसने दोस्तों दिया, इसका नाम डमरू है और ये डमरू जैसे यहाँ पर डांस करके दिखाता है और एंटरटेन कर रहा है इस टाइम कुत्तों को। जितने भी हमारे डॉग्स है ना, सब डमरू को ही दोस्तों देख रहे हैं और इनको ना डांस करके दिखा रहा है। ये देखो भाई डमरू का डांस, देखो भाई डमरू का डांस ही जोपी यार। इसका डांस देख कर ना मुझे उसकी याद आ रही है, वो है नहीं अपना अंडरवर्ल्ड माफिया, वो भी डमरू की तरह ही दोस्तों यहाँ पर जो है डांस करता है, बहुत खतरनाक। अभी मैं भी डमरू के जैसा दोस्तों यहाँ पर आपको डांस करके दिखाऊंगा, ठीक है, बट उससे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। तो गाइस मैंने अपने यहाँ पर जो मेरे केजेस वगैरह है ना, जैसे कि ये सिम्बा और अपने ब्लैकी का है, और यहाँ पर अपने जम्बो है दोस्तों, हमारा एलिफेंट, ठीक है ना, और हमारी मुर्गियाँ, और यहाँ पर हमारे मतलब ये जो रैबिट्स हैं ये हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारी गायें, तो इन सबके आगे ना मैंने अपनी सिक्योरिटी लगा दी है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि यार हमारे जानवरों को कोई परेशानी ना हो और कोई दुश्मन वगैरह आकर हमारे जानवरों को बेसिकली मार मार ना दे, इसलिए मुझे ना थोड़ी सिक्योरिटी यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ी है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं हो गई। आपको एक चीज़ भी है जो कि दोस्तों मुझे आज की वीडियो में दिखानी है, बहुत मज़ेदार है वो डमरू जैसा डांस, चलो मैं आके करूंगा आपको ना दोस्तों। सबसे पहले उस चीज़ के बारे में दिखाता हूँ आपको। तो गाइज यार यहाँ पर याद होगा मैंने पिछले वाले एपिसोड में ना दोस्तों जो मेरे बैकयार्ड है मेरे घर का, जहाँ पर वो स्विमिंग पूल टाइप का है, मैंने वहाँ पर ना शार्क मछली छोड़ दी थी। तो बहुत सारे लोगों ने भी मुझे बोला, और जो जिससे मैंने मछली खरीदी थी ना, फिर मैंने उससे पूछा, उसने भी कहा कि शार्क को रहने के लिए ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो मैंने उससे बोला कि मुझे ना खतरनाक चीज़ चाहिए कोई, तो उसने पता दोस्तों मुझे क्या दिया, चलो लेकर चलता हूँ मैं आपको। क्योंकि गाइस देखो यहाँ पर ना हमारे दुश्मन वगैरह दोस्तों हैं बहुत सारे, और मैं ना लोगों को गाइस यहाँ पर डराने के लिए भी, प्लस लोगों को डराने के साथ साथ कुछ डेंजरस सी चीज़ यार मुझे यहाँ पर रखनी थी। इवन मैंने यहाँ से अभी कुछ टाइम के लिए ना पीछे से सिक्योरिटी हटा भी दी, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना अभी इनका ना एक बार टेस्ट करना था, इसीलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ये बताओ ये क्या है। ये है गाइज एलिगेटर। तो गाइज मैंने मगरमच्छ यहाँ पर लिए हैं, और मगरमच्छ ना दोस्तों इनकी खास बात ये है, देखो ये मछली जितनी खतरनाक यहाँ पर टाइगर शार्क होती है ना दोस्तों, ये भी उतने ही खतरनाक है, ये भी इंसानों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। अगर हमें किसी को यहाँ पर सजा देनी होगी तो दोस्तों हम इसको यहाँ पर जो है छोड़ सकते हैं, बहुत खतरनाक चीज़ है गाइज ये, ठीक है ना। और भाई तू मत गिर जाना इल्यूमिनाटी, ठीक है। और यहाँ पर गाइज मैंने तीन लिए, और ना दोस्तों ये कम पानी में भी रह सकते हैं, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगे। देखो एक यहाँ पर है और एक वहाँ पर है, देखो मैं आपको दिखाऊं अपनी दूरबीन से दिखाता हूँ मैं आपको, एक ही रहा, देख रहे हो भाई इसकी आंखें वगैरह देखो, मतलब कितना ज़्यादा डेंजरस है, देख रहे हो। और एक अपना ये है गाइज, इसकी आंखें देखो, ये देखो दूर से दिखा रहा हूँ मैं आपको, और वो कहाँ गया है, एक उधर भी है ना, हाँ एक ही है गाइज, इसको मैं आपको क्लोजली थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये देखो गाइज इनकी तो आंखें देखकर ही गाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो गाइज मैंने ना यहाँ पर बेसिकली उसके पास दो ही थे, तो मैंने कहा भाई एक और मंगा, क्योंकि मुझे तीन चाहिए थे, एक इस कोने में रहेगा, एक इस कोने में, एक उस कोने में। तो हमारे पूल के तीन कोने हैं दोस्तों, और तीनों कोनों में ना मैंने यहाँ पर मगरमच्छ छोड़ दिए। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कॉमेंट करके बताइए, क्या मुझे यहाँ पर शार्क मछली रखनी चाहिए थी या दोस्तों, बट मगरमच्छ ना बहुत सही है यार, ठीक है ना। ये एलिगेटर की वजह से ना यहाँ पर एक तो डर भी बना रहेगा लोगों के दिलों में, ठीक है ना, और ये अपना मरेंगे भी नहीं क्योंकि कम पानी है ना यहाँ पर, तो कम पानी की वजह से दोस्तों सही चीज़ है ये। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए। खैर मुझे तो दोस्तों अच्छा लगा, बट मैं अगर अंदर जाऊँ ना मुझे कुछ कहेगा भी नहीं है, देखो मुझे कुछ नहीं कहेगा, असल में देख रखा है ना यार, देख रखा है, कुछ नहीं बोलेगा, इसे पता है कि इनका मालिक हूँ मैं, देख रहे हो, इसको पता है कि इनका मालिक हूँ मैं, समझ गए। बट अगर आप सभी लोग बोलो मैं एक नमूना दिखाऊं तुम्हें, अगर तुम देखना चाहते हो, वैसे देखना ही चाहोगे नमूना, तो चलो मैं तुम्हें एक नमूना दिखाता हूँ। वेट अवर, ये बंदा खड़ा है ना यहाँ पर, असल में यार ये ना हमारा मेंशन देखने के लिए आया हुआ है, ठीक है, और
मैं चाहूँ तो इसके साथ ऐसा एक्सीडेंट दोस्तों यहाँ पर कर भी सकता हूँ। चले कोई नहीं, देख लेते हैं, एक्सीडेंट ही तो करना है। एक्सक्यूज मी सर। ये। ओ भाई भाग गया वो, भाई उसे पता था ये कुछ ना कुछ करेगा, वो एकदम भाग गया दोस्तों, डर के भाग गया। चलो यार कोई नहीं, मुझे ना किसी बंदे का यहाँ पर एक बार इंतजाम करता हूँ, किसी को बोलता हूँ कि कोई पैसों का चैलेंज देता हूँ कि मैं तुझे पैसे दूंगा और एक बार पूल में जाकर दिखा, फिर आपको ना दोस्तों इनका अटैकिंग पावर दिखाता हूँ एक बार। अरे वो इल्यूमिनाटी सिक्योरिटी याद है ना, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो गाइस वही यहाँ पर कहावत हो गई है। असल में गाइस हुआ ये था, हमारे ना यहाँ पर घर पर ना एक दो तीन बंदे ना दोस्तों यहाँ पर चोरी करने आए थे, दो तीन तो खैर मारे गए थे, एक को ना हमने यहाँ पर अपने नीचे जेल के अंदर डाला हुआ था। और ये है दोस्तों लॉस्ट गैंग के बंदे, आपको यार पता है ना ये जो बंदे हैं वो तो अच्छा हुआ यार, मुझे ना ये जो मेरा सिक्योरिटी गार्ड है इसने यहाँ पर जो है याद दिला दिया कि ऐसे इनाम डालने की हमें सर यहाँ पे जरूरत है नहीं, वैसे भी हम उसको यहाँ पर मारने ही वाले हैं, बेसिकली सजा ही देने वाले हैं, तो क्यों ना हम एलिगेटर की पावर ही यहाँ पर चेक कर ले। तो गाइस ये ना हमारी गाड़ियां चोरी करने आया था ये बंदा, भाई साहब ये लॉस्ट गैंग के बंदे ना दोस्तों मेरे मतलब क्या ही बोलू यार, माइकल के पीछे तो ऐसे हाथ धोकर ये लोग पड़े हैं ना, बस मैं क्या ही बोलू। चल कोई नहीं, फिर तुझे पता है ना तेरे साथ क्या होने वाला है, पता है ना तुझे तेरे साथ क्या होगा, पता है ना तुझे तेरे साथ क्या होगा, अब तेरे साथ क्या होने वाला है पता है ना तुझे। यार गाइस ये बंदा ना मतलब एक मैं आपको बात बताऊं, इनको इतना सा भी डर नहीं लगता, ये मतलब घर में आ जाता है ऐसे चोरी वोरी ये कर लेते, तो भाई इन चीज़ों से यार बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है कि मतलब और ये पीछे के दरवाजे से यहाँ से कहीं से आ जाते हैं, बट सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा अलर्ट है दोस्तों, कोई भी एकदम कहीं से भी घुसे ना, भले ही मैंने सिक्योरिटी अपनी जहाँ पर मेरी गाड़ियाँ खड़ी है मैंने वहाँ पर खड़ी कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर ना इतना कोई मतलब कीमती सामान है भी नहीं, सबसे ज़्यादा कीमती सामान उधर ही है मेरे घर में जो भी है दोस्तों, इधर कुछ भी नहीं है। तो चलो इसको सजा देने का टाइम आ गया, चल बेटा चल, अब आएगा मज़ा, बहुत मज़ा आएगा तो ये चल पानी में एलिगेटर के साथ मजा आएगा। तेरी ऐसी की तैसी, निकल कहाँ से रहा है तू पानी में से निकला कैसे तू, गाइस ये पानी में से निकलने की यार यहाँ पर जो है कोशिश कर रहा है, इसको ना जरा दोबारा पानी के अंदर धकेलते हैं, इसकी ऐसी की तैसी, रुक जा तू रुक अब पता चलेगा तुझे। ये गाइस ऐसे नहीं मानेगा ना तू, चल 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 सीधा पानी में चल तेरी अगर मैं आ गया ना बेटा बहुत मारूंगा बहुत तेरी ऐसी, रुक जाओ दोस्तों इसको ना भी किसी अलग तरीके से यहाँ पर भाई पेलना पड़ेगा, रुक जाओ। अरे यार गाइस मतलब यार मुझसे देखा भी नहीं जा रहा, एलिगेटर ने यार उस बंदे को यार यहाँ पर जो है चबा दिया, उसकी पता नहीं यहाँ पर भाई उसका पेट वेट फाड़ दिया भाई, वो देखो वो भाई साहब शिट 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 पूरा खून ही खून दोस्तों यहाँ पर आ रहा है। यार गाइस ये क्या हो गया भाई, मतलब एलिगेटर भाई इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है ना इंसान को देखने के बाद, बट यार चलो सही है, बट वो खा गया अब यार उसको। चलो कोई नहीं भाई, सजा देने के लिए ये चीज भी गाइस यहाँ पर जो है ठीक ही है, ठीक है ना, हमारे सिम्भा वगैरह हैं वो इतने ज़्यादा मतलब इतने अग्रेसिव नहीं होते हैं इंसानों को देखकर, बट एलिगेटर कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। मुझे तो कभी ऐसा डर है कि कभी यार मुझे ही ना ये एलिगेटर वगैरह दोस्तों यहाँ पर खा जाए, ठीक है ना। तो चलिए गाइज अब यार हम जो यहाँ से जल्दी से दोस्तों जो निकलते हैं, ठीक है ना। और अभी गाइज मुझे ना एक चीज़ लेने के लिए जाना है, और उस चीज़ के लिए कमेंट में एक भाई है हमारे जो कि बहुत कमेंट करते हैं बहुत ज़्यादा, अब वो चीज़ क्या है आपको दोस्तों जो पता चल ही जाएगा। तो गाइज यार वहाँ पर जाने से पहले आपको मैंने वादा किया था मैं आपको यहाँ पर डमरू वाला डांस दिखाने वाला हूँ, तो वो है भाई अपने डमरू और ये है भाई अपना माइकल द एलुमिनाटी, ठीक है भाई। ये डांस देखो यार आप सभी लोग इनका, मतलब डांस देखकर तो वही होने वाला है, पतली कमरिया मोरी आए हाय हाय पतली कमरिया मोरी आए भाई। डबरू के साथ आपको यहाँ पर माइकल द इल्यूमिनाटी का डांस कैसा लग रहा है दोस्तों, सारे के सारे जानवर देखो यार हमें कैसे यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं भाई, ये सोच रहे होंगे कि हमारा जो है मालिक है ना, लगता है आज हमारे मालिक जो है पगला गए हैं, आज हमारे मालिक का दिमाग पगला गया है, मुझे गाइस ऐसे ही लग रहा है, सारे के सारे जानवर मेरे बारे में दोस्तों यहाँ पर यही चीज यहाँ पर जो है सोच रहे होंगे भाई। पतली कमरिया मोरी आए हाय हाय पतली कमरिया मोरी आए हाय हाय भाई वही वाला पूरा का पूरा यहाँ पर डांस चल रहा है। तो गाइस अब चलिए चलते हैं यार, मैंने जो है BMW अपनी जो है निकलवा ली है, ठीक है।
फिलहाल अभी ना दोस्तों मुझे यहाँ पर एक गाड़ी मैंने बेसिकली बुक की थी, तो मुझे भी वो गाड़ी लेने दोस्तों यहाँ पर जो जाना है। चलो भाई बहुत डांस हो गया, चलते हैं। डमरू तो इन सबको करके दिखा डांस, ठीक है, तब तक चल मैं मिलता हूँ बाद में। तो चलिए गाइस चलते हैं। और राइट, आज ट्रैवर से बेसिकली मिलना है और हमें जो है एक दूसरा बंकर फाइनल करना होगा। और दोस्तों वो जो उसके साथ ड्राइवर को जो काम सिखा रहा था, मुझे उसके ऊपर शक है कि उसने डगन बॉस को ना मेरी यहाँ पर खबर दोस्तों जो है दी थी। तो भाई मुझे ना उस बंदे से भी यहाँ पर जो है निपटना है। अरे यार ये बिल्लियाँ वगैरह आ जाती है, मुर्गियाँ वगैरह उठा कर ले जाती है यार, ये क्या ही करूँ यार मैं इनका। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस जो BMW है ना, वहाँ से ना ये हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ जा रहा है ना भाई, ये ले आएगा हिप हॉप हिप हॉप। चलिए आराम से, बढ़िया। तो गाइस एक गाड़ी से रिलेटेड ना बहुत ज़्यादा कमेंट आते थे, और वो गाड़ी है कौन सी अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने स्पेशली वो वाली दोस्तों यहाँ पर जो है गाड़ी इंपोर्ट करवाई है, स्पेशल इंपोर्ट करवाई है। एक हमारे भाई डेली बोलते थे कि आरिश भाई आपने इस वाली गाड़ी के बारे में सोचा, आपने आराम से भाई इस वाली गाड़ी के बारे में सोचा। और दोस्तों वो कार कौन सी है अभी आपको दोस्तों पता चल जाएगा मैं कौन सी गाड़ी के बारे में आपसे दोस्तों जो है बात कर रहा हूँ। एंड आई होप कि बहुत सारे लोग दोस्तों शायद से यार समझ भी गए होंगे मैं कौन सी गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ, बट वहीं पर जाकर मैं आपको जो दिखाता हूँ। राइट गाइस, इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को दोस्तों भगाता भगाता दोस्तों आ चुका हूँ यहाँ पर लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। एंड गाइस यहाँ पर गाइस आने का मतलब मेन मकसद वही था। अरे चाचा खोल दो ना, हाँ बेफजूल में तोड़ ताड़ दूंगा मैं किसी दिन। तो गाइज यार हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर थे, तो मैंने उनके कहने पर ना ये गाड़ी को इम्पोर्ट मतलब करा रखा था, गाड़ी का ऑर्डर भी दिया हुआ था, बट गाड़ी ना कंपनी की तरफ से नहीं आ रही थी, तो इसीलिए गाइज मैं थोड़ा यहाँ पर जो लेट हो गया, सॉरी भाई एक गाड़ी आने में। बट यार ये BMW कुछ ज़्यादा ही भाग रही है ना आज। ओ भाई क्या भाई खतरनाक ड्रिफ्ट कर रही है अपनी हिप हॉप BMW, एक नंबर। तो अपनी जी वैगन की तरफ से अपने घर पे गाड़ी खड़ी होने के लिए सही आ गई दोस्तों। और ये गाड़ी कौन सी है जो कि हमारी दोस्तों यहाँ पर आई है, रेड कलर की प्लेन में आई है दोस्तों गाड़ी भी। जी हाँ दोस्तों बुगाटी वेरॉन, ठीक है। और इस वाली गाड़ी से रिलेटेड इतने ज़्यादा कमेंट्स यहाँ पर हमारा एक भाई है जो कि दोस्तों यहाँ पर करते थे, तो मैंने कहा भाई बुगाटी वेरॉन इम्पोर्ट करनी है। हेलो सर कैसे हो, बढ़िया। तो ये गाड़ी है दोस्तों जो कि उतर चुकी है हमारी बुगाटी वेरॉन, और ये स्पोर्ट लाइन वेरिएंट है, ठीक है ना। और इसकी छत भी ऊपर से कांच की है, ये नॉर्मल वेरॉन से काफ़ी अलग है। चलाकर देखते हैं एक बारी आराम से। हाँ और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉर्मल वेरॉन से काफ़ी अलग है, क्योंकि देखो ये गाड़ी ना बिल्कुल स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर जो है तैयार की गई। जिस बंदे से मैंने यहाँ पर खरीदी है वो बंदा ही मुझे इस गाड़ी की स्पेशल चीज़ें यहाँ पर जो है बता रहा था, ठीक है ना। फ्रंट से गाड़ी का लुक कुछ इस टाइप का है, ठीक है। और गाड़ी के अंदर ना कार्बन फाइबर का बहुत सारा काम दोस्तों यहाँ पर जो है हो रखा है, ठीक है ना, कार्बन फाइबर का। और पीछे से भाई जो ऑटोमेटिक स्पॉयलर ऊपर आता था ना, इसको पहले से ही ऊपर किया हुआ है, क्योंकि वो गाड़ी की ना एक तो पावर को थोड़ा सा वो करता था, गाड़ी के अंदर ना अलग से दोस्तों यहाँ पर इंजन को ना मॉडिफाइड वगैरह किया गया है, तो एकदम से अलग गाड़ी। मैंने कहा था ना मैं जब भी बुगाटी वेरॉन लेने वाला हूं मैं सबसे अलग लूंगा, क्यों भाई इल्यूमिनाटी, सही कहा ना मैंने। तो गाइस एक नंबर है, एक नंबर। चलिए इसको भगाकर देखते हैं कितनी भाग रही है यार ये। ओ भाई इसका मीटर किस तरह मतलब अलग सा है ना। ओ भाई स्पीड कितनी लिखी हुई है, 420, ठीक है देखते हैं 400 भागती है के? गाइज आप बताना कमेंट करके गाड़ी कितनी भागी थी, ठीक है। चलो मैं ना इसको इधर से भगाता हूँ। चार सौ टच हो जाएगी क्या? ओ भाई 450, साढ़े ओ भाई 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 शिट यार पीछे से लग गई गाड़ी, ये मेरी गलती की वजह से है। चलो खैर कोई नहीं, गाड़ी तो फिक्स हो जाएगी, इसको तो मैं फिक्स करा लूंगा जाने से पहले। जिस हिसाब से गाड़ी भागती है ना उस हिसाब से गाड़ी के अंदर ब्रेकिंग नहीं है, बट गाइस पावर बहुत ज्यादा है गाड़ी में, लिटरली बहुत पावरफुल कार है, बहुत पावरफुल।
आराम से आराम से आराम से आराम से, बढ़िया। चल भाई मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर ना ये वाली जो गाड़ी है ना BMW, इसको लेकर घर पर पहुँचो, ठीक है? मैं फिर सीधा इसको घर पर ही लेकर आ जाऊँगा। जाओ चलो तुम घर पर। तो गाइज यहाँ पर मैंने इल्यूमिनाटी सिक्योरिटी गार्ड को बोल दिया, ये जो है उसको घर पर ले जाएगा, ठीक है, BMW को। और मुझे दोस्तों सबसे पहले इसको फिक्स करानी है, उसके बाद मुझे अंडर वाटर माफिया से मिलना है, और यहाँ पर गोल्ड माफिया का भी अभी तक दोस्तों कुछ पता नहीं है, वो गोल्ड लेकर गया हुआ है, गोल्ड ही नहीं लेकर आया अब तक, वो भी दोस्तों यहाँ पर चेक करना है। गाइज सब जा चुके हैं, प्लेन भी दोस्तों चला गया, जो पेपर वर्क वगैरह था सब कुछ मैंने डन कर दिया। वो बंदा भी ये बोल रहा है कि लगता है आप बहुत ज्यादा अमीर हो, मतलब कोई इतनी नई गाड़ी को ना एकदम से ऐसे मतलब ठोक वोक नहीं देता है। बट भाई मैं क्या ही बोल सकता हूँ यार, अब पैसा बहुत है यार तुम्हारे भाई के पास, प्यार चाहिए, बस प्यार चाहिए। चल साइडो, इस गाड़ी को भी ना दोस्तों मैं बुलेट प्रूफ यहाँ पर बनवाने वाला हूँ, और मैं सोच रहा हूँ इस वाली गाड़ी के अंदर भी ना मैं वेपन सिस्टम लगवा देता हूँ। क्या सही रहेगा ना दोस्तों अगर मैं इस बुगाटी विरॉन में दोस्तों यहाँ पर वेपन सिस्टम लगवा दूँ, यानी कि RPG या फिर कुछ गन्स वगैरह इस गाड़ी के अंदर दोस्तों लगवा दी जाए, तो भाई एकदम मस्त हो जाएगी ये गाड़ी, क्या बोलते हो दोस्तों? मुझे तो सही लगता है, बाकी तुम्हारा क्या कहना है एक बार कमेंट करके बताओ। चलो सबसे पहले यार मैं इस गाड़ी को सबसे पहले तो फिक्स करवानी है कस्टम से, इसी से यही कर देगा भाई। चलो नाइस, ज्यादा वो नहीं करा। ओए हाँ एक चीज दोस्तों मुझे यहाँ पर जो है देखनी पड़ेगी, बट ठीक है सही है, एकदम दोस्तों नई जैसी गाड़ी हो गई। अपने लॉस सैंटोस में दोस्तों कोई सी भी गाड़ी हो एकदम प्रॉपर वे में उसको यहाँ पर जो है तैयार वगैरह कर सकते हैं। क्या मस्त लग रही है यार गाड़ी, देखना जरा, मतलब गाड़ी चलने में भी हाहाकार है, एकदम मस्त है, एकदम मस्त के जब रोड पर चल रही है ना कि हाँ भाई पता चल रहा है कि कोई कार चल रही है दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी सबसे पहले अंडर वाटर माफिया से मिलने से पहले दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर डेविन वेस्टन का पैसा चोरी किया था वो मैंने फिलहाल रखा कहाँ पर है, वो मैंने एक अलग लोकेशन पर रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना, जो कि काफी ज्यादा अलग, घर पे नहीं है वो, मेरे कहीं और है, ठीक है, वो दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो है ट्रैवर के साथ जाने वाला हूँ, जो एक गन का मतलब कोई एक वेयर हाउस परचेज करने के लिए, थोड़ा फ्रैंकलिन के साथ भी काम है, वो भी दोस्तों यहाँ पर जो है निपटाने का काम, ठीक है ना। चलिए जल्दी से आराम से गाड़ी बढ़िया चल रही है, चलते हैं दोस्तों। राइट गाइस फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अपने सीक्रेट बेस पर, ठीक है, और मैंने यार वहीं पर डेविन वेस्टन का पैसा रख दिया था, ठीक है। राइट मेरा सीक्रेट बेस भाई एकदम ही अलग लोकेशन पर है। चलो भाई बाहर से तो एकदम कबाड़ सा ही आ रही है जो सीक्रेट बेस लगता है, बट अंदर से भाई मैं क्या ही बताऊं, मैंने कितना अच्छा इसको दोस्तों यहाँ पर बनाया हुआ है। चलिए आराम से फाइनली आ गए मंदिर, तो बुगाटी को तो यार मैं यहीं पर जो है खड़ी रहने दूंगा, ठीक है, और मैं अकेला आया हूँ यहाँ पर आज, ये नहीं कि मैं अंडर वाटर माफिया के किसी के साथ दोस्तों। तो इसके अंदर से यार दरवाजा जाता है यहाँ पर बिजली के, इसके अंदर से, ठीक है ना, इसको बंद कर देता हूँ यार मैं। ऑलराइट तो गाइस ये हो गया बंद, सामने वो है, इधर से जाना है हमें, तो सबसे पहले पहला दरवाजा खुल गया, ये सेंसर्स वाले हैं दोस्तों दरवाजे, ठीक है ना, और ये दूसरा ये खुल गया, चलिए नाइस, ये हो गया बंद। सबसे पहले मैं आपको सामने लेकर चलता हूँ, एंड यार आई होप कि आप सभी लोगों ने देख रखा होगा, आप सभी लोग आए भी हुए हो यहाँ पे, मैं आपको लेकर तो आया था, ये देखो ये खुलता है ऐसे, नीचे शार्क है, ठीक है, मैं सोच रहा हूं ना इसी शार्क के उसमें यहां पर बिग माफिया को छोड़ दो, क्या बोलते हो? क्या मुझे बिग माफिया को यहां पर लेकर आना चाहिए दोस्तों? अगर मैं बिग माफिया को यहां पर ले आना तो भाई कसम से बता रहा हूं बिग माफिया की ऐसी तैसी होने वाली है। चलिए यार ये सब तो होता रहेगा, ठीक है ना, और दोस्तों यहां पर ना अब इस वाली लोकेशन को ना लेस्टर संभाला करेगा, ठीक है, और मैंने लेस्टर को बोल दिया, अब दोस्तों लेस्टर जो भी मतलब मीटिंग वगैरह होनी है या फिर कुछ भी होनी है ना, और जितना भी काम है मतलब हैकिंग वगैरह जो भी है दोस्तों लेस्टर यहां पर संभालने वाला है। बट मैंने लेस्टर को एक और लोकेशन यहां पर ऑफर की है, अगर तू चाहे तो वो जो हमारा हैकर दोस्त है ना उसके यहां पर भी काम कर सकता है, तो लेस्टर भी सोच रहा है, और वैसे उस हैकर के साथ उसको यहां पर कंपनी मिल जाएगी, तो मैं सोच रहा हूं यार मैं लेस्टर को ना वहीं पर छोड़ दूं, और मैं आज बोलूंगा भाई तू भी अपने काम पे लग जा। चलिए दोस्तों इस वाले रूम में आपको लेकर चलता हूं मैं, हे यू गो,
तो गाइज आपको पता होगा कल यहाँ पर रात को मैंने डेविन वेस्टर्न का पैसा दोस्तों यहाँ पर लूट लिया था, और यहाँ पर भाई सारा का सारा डेविन वेस्टर्न का पैसा दोस्तों रखा हुआ है। ये चेक करो आप सभी लोग देख रहे हो, ये करीब करीब दोस्तों यहाँ पर जब हमने गिने हैं करीब यहाँ पर ये है दोस्तों 900 मिलियन के करीब है, और मुझे नहीं पता इतनी बड़ी डील वो क्या करने गया था। और जो वो स्टार्क मेंशन दोस्तों यहाँ पर सेल कर रहा है वो कर रहा है 1200 मिलियन का, और ये है दोस्तों 900 मिलियन। तो मैंने ये सोचा है क्यों ना मैं 300 मिलियन अपने पास से डाल देता हूँ, और 900 मिलियन तो दोस्तों हमारे पास फ्री फंड में आ चुके हैं, डेविन वेस्टर्न का ही पैसा है, और स्टार्क मेंशन को परचेज कर लेते हैं। या फिर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बताऊँ क्या, मेरी बात सुनो, स्टार्क मेंशन ना उसके लिए ऐसे ही है नॉर्मली है ठीक है, और जो डेविन वेस्टर्न है ना उसके पास ना पहले पैसों की कमी नहीं थी, बट अब उसके यहाँ पर इतनी बड़ी चोरी हो चुकी है तो अब ना दोस्तों डेविन वेस्टर्न के पास ना पैसों की कमी हो गई है ठीक है ना, तो वो अब ना मुझे स्टार्क मेंशन 1000 मिलियन में भी ना दे देगा, मेरे हिसाब से दे देगा। तो मुझे अपने पास से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 100 मिलियन डालना पड़ेगा, कोई नहीं आज मुझसे बात करता हूँ, अगर वो डील डन करता है तो दोस्तों मैं उसको यही वाला पैसा देने वाला हूँ, और वो इस सोचेगा कि भाई यार मतलब अपने ही पैसे से अपना ही घर सेल कर रहा हूँ दोस्तों, ये तुम्हारे भाई का यार दिमाग तुम्हें कैसा लगा एक बारी प्लीज कमेंट करके बताओ। और दोस्तों मैंने इसका सारा का सारा कैश यार यहीं पर लाकर रख दिया था, और भाई मैंने सही किया यार, क्योंकि बताओ क्या दोस्तों अगर मैं लॉस सैंटोस की किसी दूसरी लोकेशन पर रखता ना तो भाई इसको पता चल सकता था, और जो मैंने अपना पैसा रखा हुआ है दोस्तों वो एक काफी सीक्रेट लोकेशन है, उसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं। इस लोकेशन के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को खैर पता भी है, जो माफिया लाइन के लोग हैं बहुत लोगों को पता है कि मेरा सीक्रेट बेस है दोस्तों यहाँ पर, बट वहां पर नहीं पता है क्योंकि वहां पर पैसा रखना सेफ भी है, और वहां पर ना लोग ये सोचेंगे कूड़ा करकट बाहर पड़ा हुआ है, अंदर इतना सारा पैसा थोड़ी ना होगा, इसीलिए समझ रहे हो। तो गाइस इसलिए मैंने यहाँ पर जो है पैसा ये रख दिया है, और आज के आज ना दोस्तों मैं स्टार्क मेंशन परचेज करने वाला हूँ। जी हाँ चलिए, क्योंकि मेरे पास और दोस्तों यहाँ पर टाइम वगैरह नहीं है, मुझे जल्द से जल्द करना होगा, और इस पैसे को भी दोस्तों ठिकाने लगाना है। तो 100 मिलियन का इंतजाम मैं अपने पास से करने वाला हूँ, और दोस्तों ये वाला जो है पैसा चला जाएगा ठीक है, कोई नहीं ये भी करता है दोस्तों। और लेस्टर का भी आज दोस्तों यहाँ पर हमें जो है मामला पानी फिट करना होगा। ऑलराइट चलिए, गाड़ी निकल चुकी है दोस्तों यहाँ से, क्या बात है भाई अपनी बुगाटी क्या भागती है भाई, हवा से भागते करती है दोस्तों विरॉन। तो वैसे जो भाई यहाँ पर बोल देते ना आज भाई बुगाटी विरॉन ले लो यार, बुगाटी विरॉन मतलब गाड़ी यार एक नंबर है, एक नंबर गाड़ी है ये, चलने में भी कितनी अच्छी है, और मतलब कितनी स्मूथ राइड है यार इस गाड़ी की, मतलब मैं इस गाड़ी का ना दीवाना हो रहा हूँ जब से यार मैं इस गाड़ी को यहाँ पर जो चला रहा हूँ। कोई नहीं, अब दोस्तों यार सबसे पहले मुझे जाना है ड्राइवर के पास, और ड्राइवर के पास इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हम ना दोस्तों एक बंकर देखने के लिए जा रहे हैं जहाँ पर हम अपना ये काम वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं बेसिकली गन वगैरह का, ठीक है ना। चलिए ड्राइवर से जाकर दोस्तों मिलता हूँ मैं। राइट गाइस फाइनली यार मैंने ड्राइवर को यहाँ पर जो है ले लिया, आपको पता है ड्राइवर एक एम्यूनिशन पर फिलहाल यहाँ पर जो है काम कर रहा था, तो दोस्तों यार मैंने ड्राइवर से भी यहाँ पर पता किया, तो ड्राइवर को भी उस बारे में यहाँ पर कुछ नहीं पता है, जो कि इसको यहाँ पर काम सिखा रहा था वो बंदा कहाँ पर है ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिलहाल अभी जिस बंदे से दोस्तों हम मिलने के लिए जा रहे हैं ना, ड्राइवर ये बोल रहा है वो इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा बंदा है ठीक है, और उसका ही दोस्तों बंकर है जो कि हम यहाँ पर खरीदने वाले हैं, और मेरे हिसाब से यार ये वाला बंदा यहाँ पर जो है भरोसे वाला मेरे को जो है लग रहा है, क्योंकि उसकी बातों से ही पता लग गया, अभी मैंने फोन पर ना दोस्तों उससे यहाँ पर बातचीत की थी तो मुझे बातों से ही लगा कि बहुत मतलब ना यहाँ पर जिसको कहते हैं ना भरोसे वाला बंदा लग रहा है ठीक है ना। चलिए चलते हैं अभी यार वहां पर, और उसका बंकर भी ड्राइवर बता रहे हैं कि काफी अच्छा है, ड्राइवर ना देखकर आया हुआ है, और वो स्पेशलिस्ट ना यहाँ पर गाड़ियों के अंदर भी दोस्तों यहाँ पर चाहे जिस तरीके की मतलब गन्स वगैरह लगवा लो, तो मैं अपनी यहाँ पर विरॉन में ना दोस्तों गन्स लगवाने की सोच रहा हूँ, यानी कि जैसे मिनी गन वगैरह नहीं होते उस टाइप की, तो उसने बोला है कि लग जाएगी, अभी जाकर दोस्तों देखते हैं अगर उसने इस गाड़ी में भी यहाँ पर लगा दी ना भाई तो एकदम मजा ही आ जाएगा ठीक है ना, अभी तो उधर जाकर ही दोस्तों पता चलेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अभी यार जल्दी से। अरे नहीं नहीं मेरा एक दोस्त है बेनी नाम है उसका, वो भी गाड़ियों के अंदर जो है वेपन लगा देता है,
तो गाइज यहाँ पर ये बोल रहे कि मतलब ये जो वेपन वाला सिस्टम है ना सिर्फ पूरे लॉस सैंटोस में हम ही करते हैं, किसी भी गाड़ी के अंदर कोई सा भी आरपीजी और मिनी गन टाइप का कुछ भी लगा लो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी बुगाटी के अंदर वेरॉन में ना दोस्तों यहाँ पर लगवा रहा हूँ, जो मिनी गन नहीं होती एक साथ इतनी सारी गोलियां छोड़ती है वो लगवा रहा हूँ, तो मतलब उस काफी अच्छा वो रहेगा ठीक है। और सारा का सारा सामान भी दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, इनफैक्ट इनके पास सारा का सारा सामान यहाँ पर था ठीक है भाई। और जो इस बंकर का ओनर है ना दोस्तों वो ये बंदा है ठीक है, शक्ल से देखने से लग नहीं रहा है कि भाई ये ओनर है। चलो कोई नहीं, बाकी ये बोल रहे हैं बंकर काफी अच्छा है देख लो। तो दोस्तों फिलहाल यहां से तो वैसा ही है सेम टू सेम जो कि हमने पिछले वाला बंकर देखा था, मैंने इसको भी यही बोला। तो ये बोल रहा है कि ये जो बंकर है ना नीचे से अंदर से सारे के सारे एक जैसे होते, जो गन्स वाले हैं वो तो एक ही अलग मिलेंगे, अंदर का मेरा अलग है। मैंने कहा ठीक है चलो अंदर चलकर देख लेते हैं, आइए दोस्तों चलते हैं। चलिए गाइज फिलहाल तो, और इतने अपनी बुगाटी का काम भी दोस्तों यहाँ पर जो है कंप्लीट हो ही जाएगा। अब जाकर देखता हूँ यार मतलब ये वाला बंकर है कैसा, और पिछले वाले बंकर से तो ये बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अलग है, ट्रेवर भी बोल रहा है। हाँ एक चीज़ है दोस्तों यहाँ पर दरवाज़ा रेड कलर का है और यहाँ की दीवारें येलो एंड ब्लैक है, ओ माय गॉड फर्श भी डला हुआ है भाई। अंदर से तो ये वाला बंकर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये बोल रहा है हमारे पास सारी की सारी जो भी हाईटेक मशीन्स हैं, मोशन सेंसरिंग मशीन भी है दोस्तों यहाँ पर तो नाइस, और हर जगह सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, तो भाई चलो ये भी सही हो गया। वैसे ट्रैवर एक बात बोलूँ, गन का बिजनेस करने के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही है, हर चीज़ है दोस्तों यहाँ पर, सारी की सारी बंदूकें बनाने के लिए सबकी सब मशीन्स हैं। और ये बोल रहा है कि हमारे पास एडवांस्ड मशीन्स भी हैं जो कंप्यूटराइज्ड काम करती हैं। दोस्तों उसके बंकर में हमने देखा था कंप्यूटराइज्ड वगैरह नहीं थी, बट इसके पास तो ऐसी ऐसी मशीन है जो कि उस जो बंदा हमें यहाँ पर लेकर आया था ना जहाँ पर ड्राइवर काम सीख रहा था उसके पास भी ऐसी मशीनें नहीं है। खैर उसके पास एक मशीन थी ये वाली गन बनाने की, ये वाली एक मशीन थी दोस्तों उसके पास भी पूरी कंप्यूटराइज है। ये बोल रहा है इसके जैसी हमारे पास सारी ऑटोमेटिक है। तो दोस्तों ये देखिए ये वाली मशीन भी हमें यहाँ पर मिल रही है ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर एक ये वाली मशीन भी है दोस्तों, ये भी सब कुछ यहाँ पर जो है पूरा का पूरा मतलब कंप्यूटराइज करती है ठीक है। ये भी सही हो गई, ये भी गाइस कंप्यूटराइज है। ये बोल रहा है सारी की सारी हमारे पास जितनी भी मशीन है ना सब ऑटोमेटिक है और सबके सब कंप्यूटराइज यहाँ पर वर्क करती है, सिर्फ आपको यहाँ पर कमांड डालनी है। ओ भाई साहब ये तो सही हो गया यार, हर जगह सीसीटीवी कैमरास चल रहे हैं, और भाई इनफैक्ट इनके पास ये भी कंप्यूटराइज मशीन है दोस्तों, ये देखो ये बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पर नॉन डिजिटल मशीन कोई भी नहीं है, सारी डिजिटल है जितनी भी हैं। भाई ये होता है दोस्तों बंकर काम करने वाला, भाई मेरा तो देखो यहाँ पर दोस्तों दिल आ गया, और मतलब मशीनें वगैरह देखने के बाद भी और हर चीज़ देखने के बाद, बट दोस्तों प्राइस रेंज काफ़ी ज़्यादा हाई जा रही है इसकी। मतलब जो हम वो वाला बंकर यहाँ पर देख रहे थे ना वो दोस्तों हमें वो बंदा यहाँ पर दे रहा था करीब ऐसे दे रहा था $50,000 का, $50,000 का दे रहा था या फिर शायद से $5,00,000 का दे रहा था, बट दोस्तों ये बंदा तो इसकी यहाँ पर 5 मिलियन डिमांड कर रहा है, 5 मिलियन। बट यार एक तरीके से देखा जाए ट्रैवर मतलब क्वालिटी चीज़ है यार ठीक है ना, क्वालिटी है इस बंकर के अंदर। तो गाइस यार मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं ट्रैवर को ना ये वाला दोस्तों बंकर ना यहाँ पर दिलवा रहा हूँ ठीक है, और यहाँ पर मशीनें भी कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर अपना ट्रैवर दोस्तों काम वगैरह भी करेगा और बढ़िया है यार। क्यों ट्रैवर मुझे तो खैर अच्छा लगा दोस्तों, नाइस। एक बार अच्छे से देख लूँ यार मैं फिर भी, और यहाँ पर फर्श वर्श भी दोस्तों अच्छा डाला हुआ है, मतलब हर चीज़ गुड है, गुड ये बोल सकता हूँ मैं, हर चीज़ गुड है, काम घूम के लिए भी हर चीज़, दीवारें वीवारें भी ऊपर से, वेंटिलेशन सिस्टम भी दोस्तों, मुझे हर चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये अच्छी लग रही है इस वाले बंकर की ठीक है। जो पिछले वाला दोस्तों हमने यहाँ पर बंकर देखा था ना वो मुझे इतना ज़्यादा कोई खास यहाँ पर लगा नहीं था, बट ये वाला बंकर ना दोस्तों मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इनफैक्ट यार मैं इसको भी यहाँ पर जो है परचेज करने की सोच रहा हूँ, आप एक बार कॉमेंट करके बताइएगा, तो कल दोस्तों हम इस वाले बंकर को ना यहाँ पर खरीद डालेंगे ठीक है। ओके ड्राइवर ठीक है सर, चलिए हम आपसे जो है कल मिलते हैं, और कल बस आप डील को जो है बिल्कुल फाइनली समझिए ठीक है ना, हमें बंकर बिल्कुल पसंद है। तो गाइज मुझे ये बंकर बहुत ज़्यादा पसंद आया, लिटरली बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर सारे के सारे काम भी दोस्तों इजीली हो भी जाएंगे ठीक है ना। चलो सही है,
एक बार ही चलिए गाइस, हम अपनी गाड़ी को यहाँ पर जो देख लेता हूँ। ये जो स्पेशल बोल रहे हैं ना, कह रहे हैं हम सिर्फ आधे घंटे में किसी भी गाड़ी के अंदर कोई सा भी वेपन इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वो सिस्टम भी एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने हमारी गाड़ी के अंदर अच्छे से वेपन्स मतलब इंस्टॉल किया भी है या बस ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर बोल रहे हैं। देखता हूँ तुम्हारे सारे के सारे वेपन अच्छे लगे दोस्तों, सारे के सारे वेपन अच्छे हैं। एक ही RPG वगैरह भी यहाँ पर इन्होंने जो मार के दिखाया। तो दोस्तों हमने तो भाई एक बार गाड़ी को जो टेस्ट कर लिया, चलो आपको दिखाते हैं। ये देखो ये दीवार है, ये देखना दोस्तों ये दीवार है ना सामने वाली, ओ भाई ओ तेरी। ये देखो कितनी दूर मार रही है भाई ये गाड़ी, तो तेरी बंदे के ना लग जाए भाई इसके। बट इसने हमारी गाड़ी में दोस्तों बिल्कुल फ्री में लगाई है, क्योंकि हम ना इनका यहाँ पर ये काम करने वाला है, तो बेसिकली हम इनसे खरीदने वाले हैं, तो इसलिए मैंने दी थी। चलो सर मैं आपसे कल मिलता हूँ, ठीक है ओके बाय बाय। तो चलिएगा इस गाड़ी को लेकर जो बाहर चलते हैं। एक मिनट यार चल, मैं तुझे तू नहीं चलाएगा भाई बैठ। तो गाइस बाहर जाकर ना मेरी गाड़ी की ये वेपन्स को भी टेस्ट करते हैं। चलिए दोस्तों निकलते हैं अब यहाँ से। खैर मुझे ना थोड़ी गुदगुदी सी फील हो रही है, चलता हूँ बाहर। राइट गाइस हम वहां से तो आ गए। अबे भाई ये बहुत पावरफुल है। उत्तरी ये देखो, ये देखो इस गाड़ी पे मारूं। ओ भाई अबे दिख भी नहीं रही इतनी पावरफुल उन्होंने वेपन लगा दिए इसमें। ये देखो इसके तो सीधा टैंक पे मारी भाई। ये देखो ये देखो, ओ भाई इसके मारू, इसके इसके मारू, ओ भाई एकदम ब्लास्ट। अबे भाई कितनी ज्यादा पावरफुल गन लगा दी इसके अंदर। वो देखो वो चल रही है वहां पर, गन दिख रही है। तेरी बंदे के ना दो तीन गनी लगी हैं। तेरी भाई बटन दबाने की देर है यार, ये तो तबाही मचा देगी गाड़ी। शिट भाई ये वाला सिस्टम तो मेरे को काफी अच्छा लगा। ये देखो जैसे बंदा चल रहा है ना सामने, ये गन ना दोस्तों चलती हुई दिखती नहीं है, इसकी गोलियां कुछ लेजर टाइप लगती है यार मेरे को। ये देखो वो देखो उस बंदे के लगी। अब देखो जैसे बंदे जा रहे हैं ना, जो जो इसके निशाने में आएगा ना, ओ भाई नहीं भाई गोलियां तो है ही, बट ये बहुत बारीक बारीक सी गोलियां हैं भाई। मैंने बहुत बंदों को मार दिया, छोड़ो यार बस निकलता हूँ टेस्ट करने के लिए, बहुत हो गया अब इतना, वरना बेफजूल में यार वो होगा। गाड़ी बहुत खतरनाक बना दिया भाई उस बंदे ने, बहुत ज़्यादा खतरनाक। चलिए दोस्तों ट्रैवर को ना मैं अब वो जो यहाँ पर एमोनिशन वाली शॉप है वहाँ पर छोड़ देता हूँ, ठीक है। और आप प्लीज़ यार कमेंट करके मेरे को बताओ, मुझे वो बंकर परचेज कर लेना चाहिए ना। वैसे दोस्तों तो मैं तो खरीदने की सोच ही रहा हूँ, ठीक है। आपका इस बारे में क्या कहना है कॉमेंट करके बताइए। ड्राइवर मेरी बात सुन, कल ना हम इस बंकर को ना बस परचेज कर ही डालते हैं यार, ठीक है ना। वो एकदम मस्त सीन हो जाएगा, बंकर भी अपना हो जाएगा, ठीक है। और गन वगैरह अपनी बनेगी, और हम भी गाड़ियों के अंदर ना शोरूम पे ना दोस्तों ऐसी वेपन वाली गाड़ियां भी सेल आउट करेंगे, क्या बोलता है, ठीक है ना। चल ठीक है निकल फिर तू, मैं मिलता हूँ तेरे से बाद में, ओके ब्रो। ठीक है समझ गया।
ऑलराइट, तो गाइस फिलहाल ना अभी यहाँ पर मेरी जो है लेस्टर से बात हो चुकी है, तो गाइस अभी ना मैं लेस्टर के पास ही जा रहा था। लेस्टर ना अभी दोस्तों अपने काम पे ना लगा हुआ था, ठीक है। लेस्टर को मैंने यहाँ पर काम दिया हुआ कि भाई बस तू ना लॉस सैंटोस के हर कैमरा के ऊपर नजर रख, हर चीज के ऊपर। अगर कहीं पर भी कोई भी गैंग वाली एक्टिविटी होती है या फिर अगर कोई भी यहाँ पर कुछ कर रहा है ना, तो एकदम मुझे सबसे पहले खबर देना। तो अभी लेस्टर ना मुझे असल में 10 मिनट से कॉल कर ही रहा था, क्योंकि दोस्तों अभी मेरा फोन नॉट रीचेबल आ रहा होगा, मैं जंगल वाले इलाके में था, तो अभी उसका कॉल आया मेरे पास। मैंने सबसे पहले उसको बोला कि मैंने तेरे लिए एक लोकेशन ढूंढ ली है और एक बंदे के साथ तो वहां पर अपनी हैकिंग वगैरह और जितनी भी हाइस्ट वगैरह की प्लानिंग है तो वहां पर करना। तो सबसे पहले बोलने लग गया, हाँ वो बात तो ठीक है पर मेरी बात सुनो। उसने मुझे ना लोकेशन भेजी, उसने कहा है कि 5 से 10 लोकेशन है जहां पर बंदे ना कुछ कर रहे हैं गैंग वाले, और इसको लग रहा है कहीं ना कहीं ये ना लॉस्ट गैंग के बंदे हैं, कुछ बालास के बंदे हैं और कुछ ना यहाँ पर बिग माफिया के भी बंदे हैं, ठीक है, जो कि कुछ ना कुछ यहाँ पर कर रहे हैं। लॉस सैंटोस में उनकी मीटिंग्स वगैरह चल रही है, तो अगर तू चाहे तो जाकर कर सकता है काम। मैंने कहा ठीक है चल मैं देख लेता हूँ। तो उसने एक लोकेशन मेरे को भेजी है, मैंने अपने गूगल मैप्स पर ना लोकेशन तो लगा ली। चलिए दोस्तों चलता हूँ, आपको मेरे मैप के ऊपर रेड कलर का मार्क दिख रहा होगा ना, वहां पर जाना है यार। मतलब हमारी नाक के नीचे बंदे क्या क्या कर रहे हैं, अबे साइड हो ना, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यार। चलो जल्दी जल्दी आराम से अबे साइड हो ना, यहीं पर। ऑलराइट, अरे मुझे देखते हैं मेरी गाड़ी पे गोलियां क्यों मारनी स्टार्ट कर दी इन्होंने। जानते भी हो किससे पंगा ले रहे हो। चलो मारो 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 मार, तू भी मार, खत्म, बस इतना ही दम था। गाड़ी तो बुलेट प्रूफ है। अबे गाड़ी के ऊपर कितनी गोलियां लग गई, मार ना, चल निकल यहां से तू भी, एक लास्ट बंदा बचा है। चल तू भी निकल, मुझे गाड़ी से बाहर भी निकलने की दोस्तों जरूरत नहीं पड़ी, मैंने गाड़ी के अंदर अंदर से मार दिया। दो बंदे और हैं भी, पता नहीं किधर है वो, छोड़ो। सबसे पहले मैं इन गाड़ियों के अंदर देखता हूँ ये कर क्या रहे थे यहां पर। मैक्सिकन गैंग के बंदे हैं दोस्तों, सारे के सारे जितने भी हैं सारे के सारे मैक्सिकन गैंग के बंदे हैं ये। ओके, गोली कहां से चला रहा है। शिट 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 शिट, चल तेरी ऐसी की तैसी। और भी है क्या कोई, ये छत के ऊपर चढ़ा हुआ है क्या। हाँ तेरी ऐसी की तैसी, चल तेरी, ग्रेट जॉब दोस्तों। फाइनली लेस्टर का मैसेज आ गया, मैंने लेस्टर का नाम भी एकदम अलग तरीके से यहाँ पर जो है वो कर रखा है। ऑलराइट यार, ये कुछ डीलिंग वगैरह कर रहे थे क्या। दो गाड़ियां इधर हैं। इस ट्रक के अंदर क्या है, रुक जाओ ट्रक के अंदर देखता हूँ दोस्तों ट्रक के अंदर क्या है। वेट अ व्हाइल, इसके लिए सबसे पहले ना मैं ट्रक को इधर ऐसे कर देता हूँ, रुक जाओ घुमाता हूँ ट्रक को। अब कुछ गाड़ी वाले खड़े हैं यार यहाँ पर, ऑलराइट ये तो ऐसे तो घूम घाम लिए। सबसे पहले गाड़ी का टायर पंचर करता हूँ इनके, ऑलराइट ये तो पंचर ही हो गए, ठीक है। असल में ना मैं इन बंदों को मतलब यहाँ पर मार तो खैर मैंने दिए दोस्तों, अभी उस ट्रक में देखना बाकी है। बट यार बताओ क्या, वो एक तो ट्रक निकल नहीं रहा, प्लस ये गाड़ियां भी तो ब्लास्ट नहीं हो रही है ना। ये देखो
मैंने तो भाई पूरी गोलियां मार रखी है इस गाड़ी के ऊपर भी। गाड़ी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है, कोई भी असर। अगर इस चीज का असर नहीं है तो शायद सिस्टी की बॉम्ब का असर हो। अरे बुलेट प्रूफ गाड़ी है दोस्तों, इन गाड़ी के ऊपर कोई असर नहीं होगा। देखे जरा, नहीं नहीं हुई है, ब्लास्ट हुई है क्योंकि आग लग गई ना गाड़ी। और इनके ट्रक के अंदर कोई भी माल हो, मुझे इनका माल लूटना भी नहीं है। कोई इतना खतरनाक माल तो होगा नहीं ट्रक के अंदर, मुझे सब कुछ ब्लास्ट ही करना है ना। मेरे शहर में ये हरकतबाजी कैसे चल रही है? डगन बॉस के साथ भी ये लोग मिल के यहाँ पर काम धंधा करते हैं ना, इसीलिए भाई मुझे ये लोग पसंद नहीं है बिल्कुल भी। चलिए मैं लेस्टर से बोलता हूँ, भाई ये लोकेशन तो हो चुकी है ख़त्म, अब देखता हूँ दूसरी किधर यहाँ पर भेज रहा है। ऑलराइट, अभी पता ही चल जाएगा दोस्तों। ऑलराइट, आई गॉट समथिंग फॉर यू। ओके, तो गाइज एक और बता रहा है, 5 टारगेट है। कैलिबर, स्मॉल कैलिबर वेपन्स। अच्छा, तो वो कोई वेपन वगैरह का सामान वगैरह लेकर आ रहे हैं लेस्टर का कहना है। चलिए कोई बात नहीं, जाकर देख लेते हैं भाई क्या लेकर आ रहे हैं क्या नहीं। भाई लॉस सैंटोस में गैंग वाले बंदे हैं जो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना, तो हम पेल ही देंगे भाई। ये अच्छा हुआ दोस्तों लेस्टर ने ना सारे के सारे जितने भी ट्रैफिक के कैमरास वगैरह लगे हुए सबको हैक कर रखा है, तो पता चल जाता है कि कौन बंदा कौन से कोने में क्या कर रहा है। इस कोने में ही है, इस कोने में क्या, यही है नीचे। ओके वो है, वहाँ डीलिंग चल रही है, देखे जरा। बंदूकों की डीलिंग बता रहे हैं लेस्टर तो। यही है, और भी कुछ है क्या? ठीक है, वैसे इनको तो मैं चाहूँ ना दूर से भी ऐसे खत्म कर सकता हूँ। निकल निकल निकल, और कोई भी है क्या? गुड जॉब, छोड़ो पे फालतू में जाने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ऑलराइट, ओ भाई ऐसे कितने बंदे हैं भाई साहब, मतलब यार लेस्टर भी ना यार पूरे लॉस सैंटोस पे बाज की तरह उसने यहाँ पर अपना पंजा जमाया हुआ है दोस्तों। चले कोई नहीं यार, अब ना मुझे इस काम के लिए ना सिक्योरिटी विक्योरिटी गार्ड्स को लगाने पड़ेंगे, जो कि लॉस सैंटोस में छोटी छोटी जगहों पर जहाँ पर भी गैंग वैंग के ये जो चल रहे हैं ना इनको ख़त्म करेगा। चलो यहाँ पर ही अच्छा भाई, क्या गुंडे बनोगे रे तुम, रोड के बीच में खड़ोगे तुम डीलिंग कर रहे हो हैं? चल मार, चल मार, तेरे और साथी तो गए, चल तू मार 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 यार मार मार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, मार ना। चल ठीक है मार। ये वेपन यहाँ पर, हाँ हाँ मार। चल उठेगा दोबारा, सिर के ऊपर ही उसके यहाँ पर दो गोली लगी है टक से, एकदम एकदम खत्म। चलो सही हो गया दोस्तों, ये भी ठीक हो गया गाइस। चलते हैं अब यार, मेरे हिसाब से अब भी यहाँ पर कोई भी मतलब ऐसी वैसी एक्टिविटी यहाँ पर कम से कम होगी, और ज़्यादातर तो खैर दोस्तों यहाँ पर होगी ही नहीं, ठीक है ना। ये भी चलो सही हो गया यार, मतलब तो वरना तो भाई दिमाग ही यहाँ पर ख़राब हो जाता, ठीक है ना। अब यार अंडर वाटर माफिया को ज़रा बुलाता हूँ, पूछता हूँ उससे यार, गोल्ड माफिया से पता करेगी सोना वोना यार आया है हमारा अभी तक या फिर नहीं आया, ठीक है ना।
चलिए दोस्तों, ऑलराइट गाइस, फाइनल दोस्तों यहाँ पर मैं जो है भाई अंडर वाटर माफिया के पास दोस्तों यहाँ पर जो है आ चुका हूँ, ठीक है ना। एंड गाइस ये ना जस्ट यहाँ पर इस बिल्डिंग के ओनर से बात करने के लिए गया हुआ था और मैंने इसको यहाँ पर बोल रखा था कि यार मुझे ना ये वाली बिल्डिंग यहाँ पर परचेज करनी है, तो भाई ये भी इस कोशिश में लगा हुआ है। बट जो इस बिल्डिंग का ओनर है दोस्तों यहाँ पर सेल आउट नहीं करना चाहता है क्योंकि जो पीटर द प्रेसिडेंट है ना भाई वो उसका बहुत बड़ा गुलाम है, बस ये मान लो। तो बंदा यार यहाँ पर नहीं माना, अंडर वाटर माफिया को भी उस बंदे के ऊपर दोस्तों यहाँ पर जो गुस्सा आ गया। चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं यार, गाड़ी में बैठ चल तू। ऑलराइट, तो गाइज यार अभी ना हम जा रहे हैं दोस्तों, ये काम तो होता रहेगा, ठीक है। इससे पहले अभी ना मुझे जो ये चीज़ करनी है दोस्तों वो ये है, जो डेविन वेस्टर्न का यार घर है ना मुझे वो परचेज करना है, ठीक है ना। स्टार्क मेंशन जो है दोस्तों वो परचेज करना है। तो फिलहाल डेविन वेस्टर्न को मैंने बोला हुआ है, डेविन वेस्टर्न ने कहा कि तुम ना घर पर ही आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ। तो भाई उसके घर पर जाने से पहले ना हमारे पास ना कुछ कैश होना चाहिए, जो कि जब हम उसको लेकर जाएंगे तो भाई एकदम हम उसके पैसे दे दें, ठीक है ना भाई। मैं सोच रहा हूँ पाउंड्स में हम ना उसको यहाँ पर 200 पैसे दे देते हैं, तो भाई वो सही रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले ना मुझे बैंक जाना पड़ रहा है। चलिए फाइनली, हाँ लॉस सैंटोस में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम है यार, इस वाले इलाके में तो बहुत ही कम है। आराम से आराम से आराम से भाई अपनी गाड़ी देखो, बट भाई अपनी गाड़ी पे एक भी स्क्रैच नहीं आएगा। चलिए नाइस, अंडर वाटर माफिया जल्दी जा और कैश निकाल कर ले ब्रीफ केस में, ठीक है, फटाफट जल्दी से पाउंड्स। अरे इधर से आओ। चलिए दोस्तों चलते हैं बैंक में, हम भी पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक, जल्दी जा जल्दी, अपने पास वक्त नहीं है। उसको बोलना कि अंडर उसने माइकल द इल्यूमिनाटी ने कहा है। ऑलराइट गाइस, चलिए वो लाने गया, इतने में बाहर ही चलता है। बाकी पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यार यहाँ पर भाई जो अलग हो चुका है, देख रहे हो एकदम अलग हो गया। ये बात भी चलो भाई काफ़ी ज़्यादा सही हो गई है, ठीक है ना दोस्तों। बाकी अपनी गाड़ी चेक करें यार, आपको कार कैसी लग रही है? बुगाटे वेरॉन, बहुत सारे भाई ना यहाँ पर भाई बोलते ही थे कि आरिश भाई बुगाटे वेरॉन लो, बुगाटे वेरॉन लो, बुगाटे वेरॉन। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो अब की बार तुम्हारी ख्वाहिश भी यहाँ पर जो है पूरी कर दी जाएगी, बुगाटे वेरॉन ही लेंगे। चलिए एक बार ये अंडर वाटर माफिया आ जाए फिर हम यहाँ से निकल। ऑलराइट गाइस, बहुत ज्यादा यहाँ पर देर हो गई है यार, पता नहीं अंडर वाटर माफिया ऐसा कौन सा पैसा निकलवा रहा है, मेरी तो खैर भाई समझ से ही बाहर है। बट कोई नहीं दोस्तों, आज जो है हम वो मतलब अपनी गाड़ी तो बस यहाँ पर जो है लेनी लेनी है, ठीक है। गाड़ी तो खैर ले लिया, ले आया। चलिए गाइस कैश आ चुका है, चलिए चलते हैं बैठ। अब सीधा दोस्तों हम चलते हैं डेविन वेस्टर्न के बंगले पर। भाई अंडर वाटर माफिया को भी ना दोस्तों बुगाटी विरॉन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, पर भाई देखो अच्छी लगी भी क्यों ना, क्योंकि यार ये गाड़ी ही है इतनी मस्त, समझ रहे हो। चलिए बढ़िया, मतलब चलने में भी क्या बात है गाड़ी के, है ना, नाइस। राइट गाइस, पहुंचने वाले हम डेविन वेस्टर्न के घर पर। एंड यार आपको ना याद होगा दोस्तों जब यहाँ पर उस दिन वो गैंग वाली फाइट हुई थी ना दोस्तों, यहीं पर डेविन वेस्टर्न के घर से आगे मुझे ना उन बंदों ने पकड़ा था जो कि यार टाइगर सिक्योरिटी वाले बंदे थे भाई, मतलब काफी डेंजरस थे यार वो भी। चलिए फाइनली यार हम डेविन वेस्टर्न के घर पर आ चुके हैं। बात सुन, पैसों की बात ना मैं करूंगा उससे, ठीक है, तू मत करना, आ जा। अरे यार उसके सिक्योरिटी गार्ड्स को तो मत गिराना भाई, ये हर किसी से मजे लेता हुआ चलता है भाई अंडर वाटर माफिया। अब भाई मैं इसको खैर कुछ कह भी नहीं सकता यार, यहाँ पर चलते हैं दोस्तों भी, बहुत तेज जा रहा है। बाकी इसने गंजे सिक्योरिटी गार्ड्स रख रखे हैं, रात वो रोबोट वाले लेकर चला गया था घर पर, ये गंजे रख रखे इसने भाई, ये गंजे किसी काम के नहीं है। चल चल चल, क्या कर रहा है? एक तो यार ये अंडर वाटर माफिया पता नहीं इधर खड़ा हुआ दोस्तों क्या ही कर रहा है, आ जा फटाफट आ यार। ऑलराइट, पता नहीं इतनी ज्यादा भी सिक्योरिटी रख के कोई फायदा नहीं है वैसे दोस्तों अपने घरों के ऊपर। चलो ऑलराइट, अरे इधर जाना है, इधर इधर नीचे है वो नीचे, हाँ कूद के जाएगा तू, तो मुझे तेरा तो सब पता है भाई साहब। ये अंडर वाटर माफिया भी ना बस अपने आप में एकदम नया बंदा है बस। चलो नीचे चलते हैं आराम से,
डील करने तो आ गए हम इससे। और भाई देखो यार, मुझे घर चाहिए ही चाहिए। और बताओ डेविन भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया? हाल बुरे है, क्या हुआ? तो गाइस यार, चलिए हम डेविन भाई से यहाँ पर जो है दोस्तों बातचीत करते हैं, और इनको ना दोस्तों यहाँ पर कैश देकर जरा मैं पूछने की कोशिश करता हूँ कि बताओ भाई, 1,000 मिलियन में अगर तुम्हें घर देना है तो बताओ फिर क्या बोलते हो? वैसे डेविन भाई, तुमने ना ये चीज यहाँ पर बहुत सही सोच ली है। अब वैसे तुम, अगर तुम इतना बड़ा नुकसान हो भी गया और अगर ऐसा कुछ हुआ भी था तो तुम रात को मुझे कॉल करते ना, तो वहां से भागकर क्यों आ गए? तो दोस्तों यार, पता नहीं क्या हुआ है, रात बेचारे डेविन वेस्टर्न अपनी एक बंदे से डील करने गए थे। असल में ये ना कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे थे, तो मतलब इल्लीगल तरीके से कुछ जगह थी, वहां पर कब्जा वब्जा करने के लिए पैसे दे रहे थे। तो हुआ क्या, वहां पर कोई बंदा आया और उस बंदे को भी मारकर चला गया, सारे सिक्योरिटी गार्ड इनके मार दिए और इनके करीब 900 मिलियन चोरी करके ले गया। ये भाग कर आ गए थे, इनकी सारी गाड़ियां भी डिस्ट्रॉय कर दी, सुबह इनको न्यूज से पता चला है। तो दोस्तों पता नहीं भाई कैसा हो गया, मुझे भी नहीं पता, मुझे कॉल करते आप मैं एकदम आ जाता। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस फिलहाल डेविन भाई ये बोल रहे हैं, इस टाइम मुझे पैसों की यहाँ पर इतनी ज्यादा सख्त जरूरत है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। और अगर तुम 900 मिलियन में भी या 1,000 मिलियन में भी लेना चाहो ना तो ले लो यार, मेरे मुंह पे बोलने से पहले ही इसने बोल दिया। तो गाइस इसने 1,000 मिलियन यहाँ पर खुद कबूल कर लिए हैं, ठीक है ना। और मैंने इसको दोस्तों एडवांस दे दिए हैं, फिलहाल 5 मिलियन हमने इसको दे दिए हैं, और इसको 85 यहाँ पर ये देखो 5 मिलियन इसके पास दोस्तों आ चुके हैं। और कितने देने मैंने इसका खरीदा 1,000 मिलियन में, तो 995 मिलियन और देने हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, वो तो हो जाएंगे, ठीक है ना। 100 मिलियन अपने पास डालूंगा, 5 मिलियन आ चुके, तो 5 मिलियन एडवांस आ गए हैं, ठीक है आपके पास। तो गाइस वो रहा घर जो कि हमने यहाँ पर परचेज किया है डेविन वेस्टर्न से, वो चेक करो यार, आप सभी लोग देख रहे हो हमारा सपनों का घर। क्योंकि यार बहुत बार ऐसा ही हुआ है दोस्तों कि हमने घर खरीदने की सोची है बट नहीं हो पाए, ये वो, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले पूरी पेमेंट हम यहाँ पर डन ही करेंगे। मेरी बात सुन, अंडर वाटर माफी, इधर तो आ, मेरी बात सुन, एक काम कर, जो सीक्रेट लोकेशन पर हमने पैसा रखा हुआ है ना, सिक्योरिटी गार्ड्स को बोल करना वहाँ से करीब 1,000 मिलियन, हाँ पूरे 1,000 मिलियन मंगवा ले, वहाँ पर 2,000 मिलियन है, 1,000 मिलियन मंगवा ले और 1,000 मिलियन वहीं पर रखे रहने देना, ठीक है। फटाफट कॉल कर और 1,000 मिलियन मंगवा जल्दी से, इससे पहले कि इसका यहाँ पर मूड बदले, हमें इस घर को जल्दी से खरीदना होगा, ठीक है ना। तो फटाफट कॉल कर और वो मंगवा। तो गाइज अब ये जो है वो बॉडीगार्ड्स को फ़ोन करके जो है फटाफट पैसे वगैरह यहाँ पर दोस्तों मंगवा देता है, और उनको ये बोलना चोरी छुपे लेकर आए और ज़्यादा ना रोला रप्पा ना करें, ठीक है ना, बोल दे उनको। तो गाइज ये बात भी सही हो गई, ठीक है ना, क्योंकि गाइज अगर इसका मन बदला या इसके पास इधर उधर से कहीं से पैसे आ गए तो भाई वो एक अलग सीन हो जाएगा। अब इसका मन भी बना हुआ है, तो गाइज फाइनली हम जल्दी से यहाँ पर जो है स्टार्क मेंशन को दोस्तों जो है परचेज कर लेते हैं इसी के पैसों से। पर मैं जो इसके नोट है ना वो नहीं देने वाला हूँ, जो हमारे पास हमारे 2,000 मिलियन के नोट हैं, आपको पता होगा मैंने एक सीक्रेट लोकेशन पर पैसे रख रखे हैं, वो वाले देने वाला हूँ। तो इस टाइम अच्छा डेविन भाई, वो पैसे ना मैंने मंगा दिए, मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर आ रहे हैं, अभी करीब करीब 15 से 20 मिनट में यहाँ पर पहुँच ही जाएंगे, ठीक है। शहर में फिलहाल ट्रैफिक तो है नहीं, बहुत कम लोग बाग हैं दोस्तों, वो देखो सड़कों पर बहुत कम लोग आपको जो है नज़र आ रहे हैं, तो जल्दी आ जाएगा वो, ठीक है ना, आ रहा है ना वो, फटाफट बुला ले बस जल्दी से, इससे पहले कि इसका मूड बदले। भाई ये जो तुमने वाइन मंगा रखी है ना, ये बहुत ज़्यादा मस्त है, मेरा तो यही पीने का मन कर रहा है भाई, बहुत मस्त है। तो गाइस फिलहाल ना मैंने यहाँ पर जो दोस्तों 1,000 मिलियन है, ठीक है ना, और 5 मिलियन जो हमारे थे वो मैंने बस दोस्तों ले ही लिए, ठीक है ना, और 1,000 मिलियन टोटल गाइस यहाँ पर पैसे आ चुके हैं। सारे के सारे पैसे दोस्तों डेविन वेस्टर्न ने दोस्तों यहाँ पर जो है गिन लिए हैं, और यहाँ पर दोस्तों ब्लैक कमांडोज को मैंने ये वाला काम दिया था, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारे जो ब्लैक कमांडोज, आपको पता है दोस्तों वहाँ पर ईस्ट कस्टम पर जो रहते हैं ना, वो वाले इन पैसों को दोस्तों यहाँ पर जो लेकर आए हैं। अंडर वाटर माफी, इधर आ, वो दोस्तों भी वहीं पर है। ओ भाई मजा आया यार, उसको भी पिला देता हूं वरना बोलेगा पिला ही नहीं उसने, जल्दी आ यार। बढ़िया, मजा आ रहा है यार इसकी, मतलब ये पीने में तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
एक नंबर। अरे ओए इंटरप्रेटर माफिया आ जा, देखिए रहा मैं, ये रहा भाई, ये रहा, आ जा इधर आ जा। गाइस यार वो पता नहीं यार, उसको लगा मेरी आवाज़ पता नहीं कहाँ से आ रही है। मेरी बात सुन, तू भी वाइन वगैरह पी ले ना, वहाँ से उठा ला बॉटल, उठा ला पी ले। पार्टी का मौसम है यार, मजा आ रहा है, पी ले तू भी, पी ले पी ले पी ले पी ले ओ मरे राजा। तो गाइस यार फाइनली यार हमने ना स्टार्क मेंशन को दोस्तों परचेज कर ही लिया। मैं बहुत टाइम से यार इस मेंशन को दोस्तों यहाँ पर जो है खरीदने की सोच रहा था, बट आज दोस्तों ऊपर वाले ने खैर सुन ली और आज हमने दोस्तों स्टार्क मेंशन को खैर फाइनली परचेज कर लिया है। चलिए दोस्तों राइट, चलिए इसमें यहाँ पर बॉटल को ना मैं पीछे फेंक देता हूँ। बस बहुत पी लिया माइकल, पी लिया बस पी लिया, फेंक दो बस। चलिए दोस्तों यहाँ पर फेंक देता हूँ इस बॉटल को, इतना भी नहीं पीता हूँ मैं। अब ये ही आ गया, अब हाँ अब तू भी पिएगा। ओए अंडरवाटर माफिया मेरी बात सुन, अब ना देख हमने ये खरीद लिया है और तुझे पता है पब्लिक को तेरा डांस कितना पसंद है, ठीक है, और हमने ना पैसे देकर इसका घर खरीदा है, तो सबूत के तौर पर ना हम एक वीडियो भी बना लेते हैं, ठीक है ना। डेविन वेस्टर्न को यहाँ पर खड़ा करते हैं, तू बराबर में खड़ा हो गया ना, बट डांस कर इसके और मैं बोलूँगा कि बस हम वीडियो बना रहे हैं, पीछे पैसा भी पूरा का पूरा ना आ जाएगा, ठीक है। चला जा दोस्तों, मैं कैमरा निकालता हूँ और इनकी जो यहाँ से वीडियो शूटिंग करता हूँ। यहाँ सामने आ जा, सामने रुक जा। ऑलराइट गाइस, पतली कमरिया मोरी आए हाय हाय, पतली कमरिया मोरी आए हाय हाय, पूरी वीडियो में बनाऊ पतली कमरिया मोरी आए हाय हाय, पतली कमरिया मोरी आए हाय हाय। ओके और दूसरा पोज करके दिखा, इसमें मजा नहीं आ रहा। अंडर वाटर माफिया हाँ, कुछ खतरनाक से डांस करके दिखा आज हमारी पब्लिक को इसकी। भाई मैं पूरी की पूरी यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों सबूत के तौर पर भी, अलग अलग डांस के स्टेप करके यहाँ पर दिखा रहा भाई इसको। लड़कियों वाले भी पूरे के पूरे यहाँ पर दोस्तों सारे के सारे स्टेप्स वगैरह दोस्तों यहाँ पर आते हैं। ओ भाई दिल में मेरे है दर्द डिस्को भाई साहब, देख रहे हो कैसे। अरे पतली कमरिया वाला कर, पतली कमरिया मोरी आए हाय हाय, पतली कमरिया मोरी आए हाय हाय। भाई साहब पूरे पैसे की भी एक बारी ना दोस्तों वीडियो बना लेता हूँ, इधर से भी सही है। पूरे पैसों की भी वीडियो दोस्तों मैंने बना ली, साथ में डेविन वेस्टर्न की बना ली, अंडरवाटर माफिया की भी बना ली और दोस्तों मैंने अपनी भी बना ली है सेल्फी कैमरा से, और यहाँ पर मैंने अपने बॉडीगार्ड्स की बना ली। तो इस सबूत के तौर पर हमारे पास एक वीडियो दोस्तों हो गई है। चल बढ़िया। तो चलिए दोस्तों मैं कैमरे को रख लेता हूँ। चलो ओके भाई डेविन भाई मैं मिलता हूँ, ठीक है फिर बाद में। ये बॉडीगार्ड्स हैं फिलहाल मेरे यहाँ पर, 4 बॉडीगार्ड्स हैं, तुम जहाँ पर भी पैसा रखवाना चाहोगे ना ये वहाँ पर तुम्हारे साथ पैसा रख देंगे, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, पैसा रखवाने के बाद ना सीधा यहाँ से वहाँ पर पहुँच जाना ईस्ट कस्टम पे, और अगर ये कुछ भी पूछे ना, कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करे तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी। ऑलराइट चला जा भाई अंडरवाटर माफिया, निकलते हैं अब। चलो ऑलराइट गाइस फाइनली यार हमने जो परचेज कर लिया है वो, और डेविन वेस्टर्न को भाई उसका पैसा दोस्तों यहाँ पर जो है भाई मिल गया है। चलिए चलते हैं यार यहाँ से, बैठते हैं अपनी बुगाटी के अंदर दोस्तों और आपको लेकर चलता हूँ भाई तारों के शहर में, आ लेके चलूँ तुझे तारों के शहर में। ये देख लो भाई डेविन वेस्टर्न के घर से निकलने का भी रास्ता कैसे है। सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स तो इसके पैसों के वहीं लग गए, तो भाई पैसा दिखाओ, बैठ जल्दी आ। बैठ जल्दी बैठ, बढ़िया। Amazing. Oh my God, क्या गाड़ी भागती है भाई, ऐसी आवाज निकालती है भाई, साउंड भी एकदम खतरनाक हो जाता है गाड़ी का। गाइज हमारा घर देखो यहीं से दिख रहा है, अभी देखते जाइए आप। भाई बुगाटी विरोन मतलब अच्छी गाड़ी चल रही है ये गाड़ी इतनी ज्यादा पागल नहीं होती है जितनी ज्यादा यहाँ पर जो हमारे पास और गाड़ियां हैं वो हो जाती है। चलो आराम से गाइस, न्यू वाले घर जा रहे हैं अब हम अपने। गाइस फाइनली अब ये हमारा अपना घर हो चुका है,
तो आप कमेंट करके बताइए क्या मुझे प्लेबॉय मेंशन में ही रहना चाहिए या फिर दोस्तों मुझे स्टार्क मेंशन में शिफ्ट हो जाना चाहिए। बट दोस्तों प्लेबॉय मेंशन की अपनी एक बात है, इस घर की अपनी एक बात है। डेविन वेस्टन की गाड़ियां खड़ी हैं, वो हटा लेगा। गाइस फाइनली इस मेंशन को हमने खरीद लिया और ये हमारा हो चुका है गाइस, फाइनली हमारा हो चुका है। चलो मैं इसके पार्किंग वहां पे ना अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ। नाइस, अंडरवाटर माफिया तुझे क्या लगता है, बढ़िया लग रहा है ना घर? तो गाइस हमने जो है बहुत सही तरीके से यार इस घर को दोस्तों यहाँ पर जो है खरीद लिया है। आ जाओ ऊपर चलते हैं, आ जाओ अंडरवाटर माफिया ऊपर जाकर बैठेंगे। चलिए दोस्तों ऊपर चलते हैं, एकदम मस्त है यार, एकदम मस्त। गाइज मुझे तो ये वाला घर बहुत ज्यादा मस्त लगा है। अब ना आप एक बार कमेंट करके मुझे यार ये बताओ क्या दोस्तों मुझे इस वाले घर में ना अपनी पूरी फैमिली को लेकर आ जाऊं और टाइसन वगैरह को भी सबको यहीं पर लाकर रखो। बट टाइसन वगैरह के लिए ना वहां पर दोस्तों सही है, और फैमिली को यहीं पर रखता हूं क्योंकि वहां पर बगीचा वगैरह ज्यादा है, यहां पर इतना वो नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये रहने के लिए ना ये वाला घर दोस्तों बहुत ज्यादा बेस्ट है और शहर से दूर भी है, और यहां पर ना दोस्तों पुलिस की सिक्योरिटी भी मतलब ज्यादा है, और यहाँ पर कोई ऐसे आ भी नहीं सकता है जहाँ तक भाई मेरा ऐसे मानना है, ठीक है ना? बट आपका क्या कहना है एक बार कमेंट करके बताना। बढ़िया, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों ये घर पूरा का पूरा, आपके इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताओ, ठीक है? और ये कारपेट वगैरह भी देखो, इधर आ, देख तेरे को एक चीज़ दिखाऊँ, अंडर वाटर माफी इधर आ, इसको एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। ये देख रहा है, प्राइवेट जिम है। अब दोस्तों यार आप सभी लोग बहुत बार यहाँ पर बोलते थे अंडर वाटर माफिया के लिए करो वो करो, अब देखो क्या आ गया भाई। हाँ लड़े क्या, लड़ना है ओ अंडर वाटर माफिया, लड़ना है क्या भाई साहब? मतलब भाई इसका फिलहाल अभी यहाँ पर कुछ भी लड़ने वड़ने का मूड है नहीं यार दोस्तों, अपना दोस्त ही है यार, ऐसे लड़ेगा वड़ेगा थोड़ी ना यार हमसे। और यहाँ पर बाहर आ, देख बाहर आ, एक चीज दिखाऊं। तो गाइज ये जो पानी है ना, मैं इस पानी में छोड़ सकता हूँ शार्क मछली या फिर एलिगेटर वगैरह इस पानी में छोड़ सकता हूँ, बट ये भाई अपना नहाने के लिए भी कुछ होना चाहिए क्योंकि मेरे उस वाले घर में ना दोस्तों स्विमिंग पूल है भी नहीं, और इस वाले घर में स्विमिंग पूल भी हो गया तो भाई ये भी नाइस हो गया। क्यों थक रहा है बेफालतू में क्यों थक रहा है दोस्तों, बहुत मस्त घर लग रहा है। तो आपको गाइज हमारा नया मेंशन कैसा लगा एक बार प्लीज कमेंट करके बताइए, और बताइए क्या मुझे इस मेंशन पे ये भी यहाँ पर जो है रहना चाहिए या फिर नहीं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए कल वाले वीडियो पर आपने कितने यहाँ पर कॉमेंट्स वगैरह किए थे, आइए चलिए उन कॉमेंट्स की ओर दोस्तों यहाँ पर जो है बढ़ते हैं। चलो दोस्तों गाइज चलिए अब आप सभी लोगों के यहाँ पर जितने भी कॉमेंट्स वगैरह थे ना उनको आराम से बैठ कर मैं जो दोस्तों यहाँ पर रीड वगैरह करूंगा, ठीक है भाई। लव फ्रॉम इंडिया बेस्ट एपिसोड आरिश भाई, लव फ्रॉम दिल्ली लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। और जो हमारे इल्यूमिनाटी गैंग में बंदा ज्वाइन होता है ना, अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे आरिश भाई उसका पता कैसे चलेगा, उसका ऐसे पता चलेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो अभिषेक सिंह ऑफिशियल है कोई, देखो इनके पास भी है टॉप कमेंटर, ये टॉप कमेंटर का होता है, तो ये इसका मतलब ये कि हमारी इल्यूमिनाटी आर्मी में ये बंदा ज्वाइन है, ठीक है। वेरी नाइस एपिसोड, लव फ्रॉम राजस्थान, बेस्ट पार्ट, फुल सपोर्ट आरिश भाई, आज का वीडियो मस्त था, लेजेंड इज बैक। हाँ ये देखो ये भी टॉप कमेंटर, ये भी हमारी मतलब इल्यूमिनाटी गैंग का हिस्सा है। थैंक्स फॉर मेकिंग 1 आवर वीडियो मेहर गेमिंग, ये भी 1 आवर, ये भी हमारी गैंग का हिस्सा, ये नहीं है ओपी भाई दिस एपिसोड, माइकल द इंडियन माफिया ओपन द चैट ब्रो, रूमी बाबा ये भी दोस्तों हमारा मतलब यहाँ पर वो है। तो इस लोगो से पता चल जाएगा, अगर मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ वीडियो में, अगर आप देख रहे हो, अगर आपके पास ये वाला लोगो है ना आपको नहीं दिखेगा, ये मेरी वीडियो में दिखेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जिस पे आ रहा है ना वो गैंग में ज्वाइन हो चुके हैं, जो जो नहीं हुए हैं फटाफट रोज कमेंट करूँ, ठीक है। तो ये लोग हैं देखो इतने सारे नहीं हुए हैं ज्वाइन, और ये देखो ये हुए मैं, देख रहे हो। चलो
ऑल एपिसोड वेरी गुड ब्रो, नाइस वीडियो ब्रो, लव फ्रॉम पाकिस्तान आरिश भाई, एपिसोड वेरी नाइस, थैंक यू भाई, लव फ्रॉम पाकिस्तान भाई, प्लीज आप सिक्योरिटी अपने साथ रखो, ठीक है भाई, लव फ्रॉम उदयपुर, लेजेंड ऑफ फ्रॉम बैक, माइकल का डांस था स्टार्टिंग में, ठीक है भाई, फनी डांसिंग माइकल, दादा कांट स्टॉप लाफिंग, अरे भाई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आरिश भाई यू आर द लेजेंड स्टार, गेम प्ले प्लस ड्राइविंग प्लस स्किल्स फाइटिंग शोरूम तबाही, बीबी गेमिंग इज ऑलवेज ऑन टॉप भाई, बेस्ट यूट्यूबर GT5, आई वॉज वॉचिंग यूट्यूबर्स बट एक टेक्निकल पॉइंट इज वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच, लव फ्रॉम हरियाणा भाई, आज का एपिसोड वेरी नाइस, लव फ्रॉम कर्नाटका, सॉरी फॉर लेट, एग्जाम था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लव फ्रॉम इंडिया, लव यू ब्रदर, बिग फैन भाई, लव फ्रॉम गुजरात अहमदाबाद, ईस्ट और वेस्ट आरिश भाई इज़ बेस्ट, लव फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, लव यू, लव फ्रॉम गुजरात भाई, एके बिग गिफ्ट, लव फ्रॉम इंडिया, अरे भाई क्या बात है, नाइस वीडियो ब्रो, थैंक यू सो मच, लव फ्रॉम नेपाल, ईस्ट और वेस्ट आरिश भाई इज़ बेस्ट, लव फ्रॉम पाकिस्तान, प्योर गोल्ड ओपी ब्रो, वीडियो ऑफ द डे वेरी नाइस, लव फ्रॉम नेपाल, एट द भाई वीडियोस बहुत ऐसे बनाते हो राजस्थान से, प्लीज़ ग्रोसरी स्टोर परचेज करो और डेविन का स्टार्क मेंशन परचेज कर लो, पैसे की जगह हेडशॉट देना ब्रो, अरे भाई बस यार वो ना असल में थोड़ा दोस्त है और काफ़ी पावरफुल बंदा है और ना वो मेरे यहाँ पर काम भी आ सकता है, इसलिए मैं उसको हेडशॉट नहीं दे रहा हूँ, जब मेरा काम सारा का सारा उससे निकल जाएगा ना तब मैं उसको यहाँ पर पट से हेडशॉट दूंगा, ठीक है ना, प्लीज रिप्लाई मी, थैंक्स फॉर सजेशन, लाइक कर दो ब्रो, ओके भाई थैंक्स, लिखते हैं थैंक्स ब्रो, ठीक है भाई, ओपी वीडियो, आई लाइक यू वीडियो, थैंक यू, नाइस एपिसोड ब्रदर, आई एम वेटिंग फॉर यू, 10 million, 10 M, ठीक है भाई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आरिश भाई इज लेजेंड स्टार, थैंक यू भाई, वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस, वेरी नाइस आरिश भाई, डेली एक घंटे की वीडियो डालने के लिए थैंक्स आरिश भाई, अयान गेमर किंग, देखो भाई ये हमारी गैंग का हिस्सा है अयान गेमर, देखो भाई टॉप कमेंटर है, देख रहे हो, हेलो भाई यू आर सुपर्ब, मेहर गेमिंग वेरी नाइस वीडियो, नाइस वीडियो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आरिश भाई सुपरस्टार, पवन ओपी, और ये देखो भाई ये भी यहाँ पर बन चुके हैं भाई, नाइस नाइस, फुल गेम प्ले, आरिश भाई इज़ अ बेस्ट गेमर, आई लव यू, लव यू ब्रो, लव यू आरिश भाई, बेस्ट एपिसोड इन द वर्ल्ड, बेस्ट वीडियो आरिश भाई, बेस्ट वीडियो, लवली एपिसोड, माइकल दादा का डांस बहुत ओपी लगा, हाँ भाई ये बात तो है भाई, शाउट आउट दे दो, लव यू ब्रो, लेजेंड किंग इज बैक, जर्रा खान भाई शाउट आउट टू यू मेरे भाई, शाउट आउट टू यू, ओपी वीडियो भाई, जी वैगन में एनिमेशन घोरा, लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू सो मच भाई, आपका कार कलेक्शन बहुत अच्छा है, मुझे इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट लगा है, थैंक यू, वेरी नाइस एपिसोड टुडे आरिश भाई, थैंक यू भाई, लव फ्रॉम बांग्लादेश भाई, लव फ्रॉम बांग्लादेश, लव यू ब्रो आरिश भाई, आज का वीडियो बहुत अच्छा था, सबसे अच्छा आप लगता है लेजेंड, आपका लगता है लेजेंड इज़ बैक, लव यू ब्रो, लव फ्रॉम USA, द एंड ऑफ द गन बॉस, भाई भाई आपका वीडियो वंडरफुल है भाई, लव यू ब्रो, लव फ्रॉम मुंबई भाई, माय लेजेंड इज़ आरिश भाई, थैंक यू आरिश भाई, यू आर बेस्ट, फ्रैंकलिन किल्यूमिनाटी सीरीज़ कब स्टार्ट होगी भाई, भाई बहुत जल्दी होगी, हेलो भाई, हेलो सर, लव यू ब्रो, ये मेरा सेकंड कमेंट है और हम सब चाहते हैं कि आप जैसे बॉडीगार्ड के बारे में बताया था तो हम सेम गन्स के बारे में बताओ, पावरफुल है उसकी टेस्टिंग करो, लव यू ब्रो, ठीक है भाई समझ गया मैं, माइकल के लिए पर्सनल क्रूज़ खरीदो, ठीक है भाई, पर्सनल क्रूज़ खरीदनी क्यों है मेरे पास ऑलरेडी यार, ओपी एपिसोड, मज़ा आ गया भा आरिश भाई, आज की वीडियो देखकर आरिश भाई किडनैप डेविन वेस्टर्न एंड परचेज रोल्स रॉयस लाइनो लिमोजिन, लव फ्रॉम हैदराबाद, भाई किडनैप नहीं कर सकता, अब तो मैंने घर ही खरीद लिया, लव फ्रॉम हरियाणा भाई, यू आर द बेस्ट, थैंक यू आरिश भाई, बिग फैन आरिश भाई के, वीडियो ओपी होते हैं लव यू गाइज, लव यू यार, तुम्हारी वजह से ही तो ओपी होते हैं, ऐसे थोड़ी ना ओपी हो जाएंगे आरिश भाई के वीडियो भाई, आई लाइक द इल्यूमिनाटी एंड गोल्ड माफिया डांस, आई लाइक इट सो मच, थैंक यू, माई फेवरेट पार्ट इल्यूमिनाटी माइकल, यू आर गोट मीन्स ग्रेटेस्ट भाई, थैंक यू,
न्यू शोरूम लव यू ब्रो, लव फ्रॉम नेपाल, नाइस वीडियो, आई एम ईस्ट वेस्ट, आरिश भाई इज बेस्ट, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आरिश भाई सुपर स्टार, लव फ्रॉम गुजरात, बिग फैन, लव यू ब्रो, एक ही टेक्निकल किंग ऑफ यूट्यूब, बेस्ट गेम प्ले GTA 5, लेट्स गो. आरिश भाई मैं आपका बिग फैन हूँ आपका ब्रो, थैंक यू भाई, नाइस वॉइस, नाइस वीडियो ब्रो, ओपी गेम प्ले, लव फ्रॉम आरिश भाई, बिग फैन भाई, बिग फैन, लव फ्रॉम पाकिस्तान, सब्सक्राइब फ्रॉम 2019, भाई 2019 से आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, क्या बात मेरे भाई, क्या बात भाई, एपिसोड वाज सुपर, प्लीज पिन कर दो. हाँ भाई अजय भाई, बिल्कुल बिल्कुल अजय भाई को दोस्तों हम पिन करते हैं, चलो भाई पिन कर दिया हमने अजय भाई के कमेंट को, नाइस. नया शोरूम लो, अंडरवाटर माफिया बात सुनना लो एक बार ब्रो, आई लव अंडरवाटर माफिया फाइटिंग, ठीक है भाई चलो. आरिश भाई किडनैप डेविन वेस्टर्न अबाउट व्हाई दे आर डूइंग, हाँ यार देखो मैं डेविन वेस्टर्न को किडनैप करके क्या ही पता करता, ठीक है कल आज मैं गया था उसके घर पे वो घर खरीदने के लिए, उसने खुद ही मेरे को बता दिया कि वो कोई जमीन वमीन पे कब्जा वब्जा करना था उसको, तो उसके लिए पैसे दे रहा था उस बंदे को, कोई बहुत बड़ी डील थी उसकी. सर आपने मेरा कमेंट रीड करा, यू आर वेरी डेयरिंग सर, लव यू सर, अरे भाई क्या बात है. आरिश भाई पर्सनल लाइसेंस ले लो प्लीज प्लीज, ठीक है भाई, आई लव यू भाई, आई लाइक यू, जय श्री राम भाई, जय श्री राम. आरिश भाई थैंक यू फॉर रीडिंग माई कमेंट, अरे भाई क्या बात है भाई, ओपी वीडियो भाई, फैमिली के साथ ट्रिप पे जाओ, ठीक है भाई भाई, हेलो भाई आप वाइट कलर की रेंज रोवर ले लो, ओपी भाई बिग फैन, बिग पार्ट, लव फ्रॉम गुजरात, ओपी भाई दिस एपिसोड वॉज वेरी नाइस, थैंक यू भाई, बड़ा वीडियो बनाया करो आरिश भाई, आज वीडियो मस्त थी, थैंक यू भाई, लव वीडियो ब्रो, थैंक्स ब्रो, वेरी नाइस एपिसोड, लव यू भाई, लव यू भाई, वेरी नाइस एपिसोड. फिलहाल अभी हमारा कोई भी गैंग वाला बंदा नहीं आ रहा है, आरिश भाई अपने साथ कम से कम गाड़ी बॉडी गार्ड्स रखा करो, ठीक है भाई, नाइस नाइस नाइस. अयान भाई आ चुके हैं, अयान भाई अब मैं आपका कमेंट, मैंने कल वाली वीडियो पिन किया था, अब कल वाले वीडियो पिन करूंगा क्योंकि आज अजय भाई का मैंने पिन कर दिया है, नाइस वीडियो आरिश भाई, माइकल द इल्यूमिनाटी बिगेस्ट कार कलेक्शन, रीड माय कमेंट आरिश भाई, अयान किंग गेमर हमारे इल्यूमिनाटी के हिस्से हैं. और जैसे कि मैं आप सभी लोग बोलते हो ना कि आरिश भाई आप सक्षम भाई की बात क्यों मानते हो, यार देखो जो सक्षम भाई हैं ये हैं और ये हमारी डेली हर वीडियो पर कमेंट करते हैं और ना ये हमारे इल्यूमिनाटी गैंग के भी हिस्सा है, ये देखो इनके ऊपर भी ये आ रहा है, जिसके ऊपर ये सिंबल आएगा ना वो हमारे इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कर चुका है, ठीक है, तो डेली कमेंट करो, कमेंट भर दिया करो डेली, एक दिन भी नहीं रुकना है, फिर देखना सबके पास यही आ जाएगा. चलो आरिश भाई जो अंडरवाटर माफिया ने रोल्स रॉयस गिफ्ट की करी ना उसको भी न्यू वाली, अरे ड्रैगन वाली मैं देखो बताऊं क्यों नहीं बनवा रहा सक्षम भाई, मैंने आपका कमेंट पहले ही रीड कर लिया था, ये जो मेरे पास रोल्स रॉयस है यार उसका अलग लुक है और ऑलरेडी मेरे पास मॉडिफाइड वाली है तो मॉडिफाइड कराने की लोड ही नहीं है यार. और जो मेरी हाँ जीप रैंगलर के ऊपर भी आपने कमेंट किया था उसके जो टायर्स है बहुत छोटे छोटे तुम बता रहे हो, तो यार वो कंपनी से ऐसे आए हैं, लव फ्रॉम पाकिस्तान, नाइस वीडियो आरिश भाई आपकी, सारी वीडियो कोई आपकी शरीफ की वीडियो कोई बना ही नहीं सकता आरिश भाई, सबसे हटके वीडियो बनाते हो आप, आई लव द माइकल इल्यूमिनाटी वीडियो, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है आरिश भाई सुपर स्टार, सक्षम भाई अब मैंने आपका कमेंट ऑलरेडी ये वाला यहाँ पर जो है मैंने जवाब दे दिया है कि आपने बोला था जीप रैंगलर जो कि मैंने यहाँ पर रूबिकॉन मंगाई है उसके व्हील काफ़ी छोटे छोटे हैं तो उसको बड़े करने की फोर्ड वाले ट्रक जैसे मैं सोच रहा हूँ, चलो कोई नहीं देख लेंगे अगर मिलते होंगे तो करा दूंगा. नाइस वीडियो आरिश भाई, भाई कल वाली एपिसोड में मैंने कमेंट किया था पर कमेंट दिखा नहीं, मेरा कमेंट अच्छा नहीं लगा क्या भाई रमज़ान मोला मेरे भाई, शायद मुझे आपका कमेंट ना दिखा नहीं होगा, आपने थोड़ा छोटा कमेंट किया होगा, थोड़े बड़े कमेंट किया करो ना मेरे भाई, तो जैसे कि आपने आज बड़ा कमेंट किया तो एकदम मेरी आंखों के सामने आ गया तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है. माइकल जो अपने लिए बाउंसर सिक्योरिटी लेना चाहिए, हाँ भाई हेलो आरिश भाई ओपी वीडियोस बनाते हो, थैंक यू भाई ओपी वीडियो भाई, आपका इंट्रो बहुत अच्छा लगता है, अरे थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू दिल से, लव यू मेरे भाई दिल से, लव यू आपको, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, थैंक यू सो मच ओपी वीडियो भाई. आरिश भाई आपकी जी वैगन बहुत सही लग रही है, लव फ्रॉम दिल्ली, थैंक यू ओपी आरिश भाई ड्राइविंग प्लेइंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे भाई.
डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा हरीश भाई लाखों में एक। अरे ताहा मोहम्मद, क्या बात है यार, एकदम दिल को छूने वाली लाइंस बोलते हो तुम, जो दिल को छूती है ना लाइंस, वो बोलते हो यार, कसम से यार। भाई GTR R32 ले लो, फुल पावरफुल एंड एनिमेटेड, और शोरूम पर रख लो प्लीज़। ठीक है, GTR R32, ठीक है, ये निसान की गाड़ी है ना, चलो ठीक है, देख लूँगा मैं। वेरी नाइस वीडियो, थैंक यू। आरिश भाई यार, आप कितना बड़ा यूट्यूबर हो तब भी आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है, बाकी यूट्यूबर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते, कमेंट भी नहीं पढ़ते हो, और आप सबके कमेंट्स पढ़ते हो, लव यू ब्रो, दिल से सल्यूट है आपको। अर्पित गेमिंग, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू भाई, लव यू टू। बस आप डेली डेली कमेंट करो, और आपके पास भी फिर ऐसा जैसा हमारे मिस्टर उज्जवल UK भाई को ये जो मिला हुआ है ना, ये वाला हार्ट, ये आपको भी मिल जाएगा भाई, और आप भी हमारी ह्यूमैनिटी गैंग का हिस्सा बन जाओगे। आयुष भाई BMW का कलर चेंज करो, पर्सनल रख लो भाई कलर। अच्छा, वो कलर चेंज करने वाले, ठीक है भाई। आयुष भाई, आप अपनी सारी दुकानों से हफ्ते लिया करो। अच्छा, आप सारी दुकानों से, और बिग माफियास के और लोकेशन पता करो। दिस वीडियो इज मस्त ब्रो, लव फ्रॉम चंडीगढ़। रीता कुमार, थैंक यू सो मच भाई, और ये सजेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आपने बताया कि हफ्ता लिया करो, ये तो मेरे दिमाग में आया नहीं, चलो अब की बार ऐसा भी करूँगा। ओपी वीडियो भाई, उज्जवल भाई कैसे हो, बढ़िया। जब तक सूरज चांद रहेगा आरिश भाई का नाम रहेगा, लव यू ब्रो। राहुल चौहान, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच, लव यू ब्रो। ब्रो ऐसे वीडियो बनाते हो, लव फ्रॉम राजस्थान ग्रोसरी स्टोर, भाई मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज भाई सैंडी शॉर्ट्स का शॉपिंग मॉल परचेज कर लो। हाँ भाई, उसके ऊपर ना भी थोड़ा सा काम चल रहा है, तो बस देख लेंगे जल्दी जल्दी कैसा होता है। आज भाई हॉर्स के साथ एक पाइथन भी परचेज कर लो, ठीक है भाई। पाइथन अरे पाइथन ना लॉस सैंटोस में मिलता है, वो एक पिंजरे में रखा होता है। चलो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। आज एलिगेटर कैसा लगा सबको वो बताना सब। आज भाई बिग माफिया की सारी प्रॉपर्टी को छीन लो। हाँ भाई, भाई न्यू सुपर कार लो भाई प्लीज, न्यू कार सुपर कार भाई प्लीज, ठीक है भाई। हेलो आज भाई प्लीज, मेरा कमेंट पढ़ना। बिग फैन भाई, अपनी सारी सिक्योरिटी के साथ रखो, बिग फैन फ्रॉम हार्ट, ठीक है भाई। आरिश भाई, लंबी वाली जी वैगन ड्राइव करो प्लीज, ठीक है भाई। भाई बेस्ट वीडियो, थैंक यू थैंक यू। इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर, अगर मैंने तुम लोगों को इल्यूमिनाटी का हेडक्वार्टर दिखा दिया ना, अगर मैंने तुम्हें इल्यूमिनाटी का हेडक्वार्टर दिखा दिया, मैं कसम से बता रहा हूं और मैं गारंटी से बता रहा हूं, तुम्हारे पैरों के तले ना जमीन घिसक जाएगी। क्या आप सभी लोग इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर देखना चाहते हैं? जो जो लोग देखना चाहते हैं ना, कॉमेंट करिए बताओ फटाफट। भाई आप गुजरात में कहाँ से पर रहते हो? भाई मैं गुजरात में रहता, मैं सहारनपुर में रहता हूँ। 10 million 1 billion, अच्छा 1000 million वर्सेस 1 billion, हाँ 1 billion का ही खरीदा है, बस ये समझ लो भाई। डगन बॉस के जैसी टाइगर कमांडो ले लो, और उसके मेंशन पर अटैक करो, आइका मॉल भी ले लो, ठीक है भाई। आयुष भाई बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, आपके जैसा कोई नहीं, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो बहुत अच्छी थी, अरे भाई मैं तो हल्के में ले रहा था, ऐसा कमेंट है। लॉर्ड गेमिंग एंड्रॉइड भाई ने तो भाई कमेंट फाड़ के रख दिया, कितना बड़ा कमेंट देख रहे हो। लव यू ब्रो ओनली थिंग इज डूइंग इज देयर। हाँ क्या दिमाग चलाते हो आरिश भाई, जिसका घर उसी के पैसे से खरीद लिया। हाँ और ऐसे ही तो चलाना चाहिए भाई। एक ब्लैक थार ले लो, तुम्हारे अच्छा लगेगा माफिया जैसा, ठीक है भाई। भाई ओनली बिग बिजनेस करा करो, स्मॉल बिजनेस मत करो, करना इज्जत कम हो जाएगी। हाँ ये बात तो वैसे तुम सही कह रहे हो, और बड़े बड़े बिजनेस ही करने पड़ेंगे मुझे। जैसे तुम लोग बोल रहे हो, अगर मैं ग्रोसरी स्टोर ना सिर्फ मैं तुम्हारी वजह से ले रहा हूँ, बट ना मेरा कोई मन नहीं है वो खरीदने का, बताओ क्यों? क्योंकि मेरा मन है वेरोनिका मॉल खरीदने का पूरा शॉपिंग मॉल। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तुम हो मेरे भाई, तुम हो मेरे लिए बिग सुपर स्टार, आई लव यू आरिश भाई। आप डायमंड कसिनो का कार कलेक्शन खरीद लो, ठीक है।
भाई तुम्हारे लिए जितने भी दिल भेजो उतना कम है। अरे इमरान हाशमी मेरे भाई, क्या बात है क्या बात है, बहुत टोपी अच्छी वीडियो नहीं है ओपी भाई जो शॉप है उनका ओनर की हेल्प कर दो भाई, आपको दुआ मिलेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ यार भाई, मुझे यूट्यूबर बनना है, मेरी छोटी सी हेल्प कर सकते हो? आपके वीडियो की मेहनत दिखती है और आप लव यू के ब्रो। हाँ भाई मैं कर सकता हूँ आपकी मेहनत, आप बताओ क्या दिक्कत है भाई। नॉर्थ एंगटन में मैंशन परचेज करो, ठीक है भाई। भाई ये सीक्रेट प्रेसिडेंट पीटर का है और गोल्ड भी प्रेसिडेंट पीटर का है, शायद हो सकता है, बट मुझे नहीं पता डगन बॉस का है पीटर का है। मैंने तो भाई चोरी कर लिया और पिघलवा भी दिया, कल तक आ भी जाएगा। ओपी एपिसोड हॉर्स बाय कर लो, ठीक है घोड़ा भी करेंगे भाई। चलो आज भाई माइकल का हेयर कट अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज कर दो, ठीक है भाई। आयुष भाई प्लीज स्टार्क, अच्छा मोर शार्क ले लो भाई, अच्छा गॉड यूसीबी, और अपनी कलेक्शन में एक बड़ा वाला मॉन्स्टर ट्रक रखो, ठीक है भाई समझ गया। अमूल भाई भी हमारे गैंग का हिस्सा है भाई, अब डेविन वेस्टर्न से भी मदद मांगेगा आपसे ही। हाँ भाई मेरे से ही बोल रहा था कि भाई मेरी मदद कर दो, और वहां पर पता नहीं कौन आ गया था, मुझे बता रहा था भाई हेलो सर आई लव यू ब्रो, और हम सब चाहते हैं कि आप हमारे लिए लैम्बोर्गिनी के पीछे जो पीछे से कटी हुई होती है वो मशीन गन लगा दो। हाँ जो पीछे से वो बोल रहे हो, जो उरस पीछे से कटी है वहां पर मैं मशीन गन लगा दूँ, वो बोल रहे हो? चलो अगर तुम बोल रहे हो तो मैं करके देख लूंगा, ऐसा भी कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। आयुष भाई पेन माई कमेंट भाई, नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट पिन होगा पक्का पक्का पक्का, वंश गेमर पक्का भाई। छोटा ग्रोसरी स्टोर मत लो, वो बड़ा वाला ही ना वो लो। हाँ वही लूंगा यार। अरे भाई सैयद असलम बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिग मॉन्स्टर ट्रक ले लो प्लीज, यस ब्रो जरूर लूंगा भाई। गन वाला बंकर को परचेज कर लो, आज वाला जो मैंने बंकर दिखाया ना वो ज्यादा अच्छा है, और वहां पर गाड़ियों के अंदर भी वेपन लग जाते हैं, तो मैं वो लेने वाला हूँ। इल्यूमिनाटी वन कहाँ गए? अरे वो तो अपने हेडक्वार्टर्स में है ना, अब मैंने उनको भेज दिया ना भाई। फुल मॉडिफाइड लैम्बोर्गिनी SVJ63 खरीद लो प्लीज, ठीक है। चलो SVJ63 समझ गया मैं भाई साहब, आपका शोरूम बॉडीगार्ड लगाओ भाई, ठीक है भाई। इल्यूमिनाटी वन कहाँ गया? अरे अपने हेडक्वार्टर्स में है ना वो भाई। इल्यूमिनाटी और ट्रेवर इल्यूमिनाटी एक साथ अपलोड करो, ठीक है भाई। भाई पैंथर गाड़ी ले लो, ठीक है भाई। भाई न्यू महिंद्रा थार ले लो, और उसे मॉडिफाइड करने के लिए बेबी को दो, ठीक है भाई। बेनी को दो। आयुष भाई मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड, फिलहाल मेरे पास मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ी जो है ना वो एक ही है, वो वाली आपने देखी होगी। हो भाई प्लीज़ अपने पास सिक्योरिटी रखिए 24 घंटे, ठीक है भाई। वंडरफुल एपिसोड प्लीज़, माइनक्राफ्ट खेलो भाई, ठीक है भाई पक्की बात माइनक्राफ्ट खेलेंगे। आयुष भाई बड़ा वाला मोटर ट्रक ले लो, ठीक है डन भाई। ग्राफिक्स अच्छा है, भाई सबकी कार्स अपने घर में रख लो, ठीक है सभी गाड़ियाँ भाई। मैंने आपको 5 एपिसोड से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ वो आपने कुछ भी रिएक्शन दिया है? हेलो भाई राजपूत गेमर भाई, मेरी समझ में नहीं आया आप 5 मिनट से क्या बोल रहे हो, इस वाले वीडियो कमेंट बॉक्स में बोल दो जल्दी जाकर, क्या बोलना चाह रहे थे भाई? गेम में सारे फ्रेंड्स को कार्स गिफ्ट करो, ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भाई सुपरस्टार ब्रो, एक बार आप अपने सारी कार्स को एक जगह लेकर आओ और सब अपने कार्स को दिखाओ, ठीक है। चलो ऐसा कर लेंगे, एक काम करूंगा मैं, मेरी जितनी भी गाड़ी है ना मैं सारी की सारी ना स्टार्क मेंशन पर रखूंगा, ठीक है। फिर वहां पर देखना, तुम वहां पर बताना ब्रो। लव यू
तुम पर्सनल जेड पर्सनल सिक्योरिटी ले लो, ठीक है भाई। जेड प्रोफेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, ठीक है भाई वो ले लेंगे। कस्टमाइज जी वैगन, वेरी गुड, थैंक यू भाई। जय श्री राम बोलो भाई, जय श्री राम। स्पाइडर स्पाइडर गेमिंग ब्रो, स्टार्क मेंशन सबसे बढ़िया है, उसको खरीद लो। खरीद लिया भाई, तुम्हारे भाई ने आज खरीद लिया। आरिश भाई, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आप कब दोगे बिग माफिया का बस? क्या बोल रहा? अच्छा आप ये बोल रहे हो क्या कि मैं बिग माफिया का बेस कब देखूंगा? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बिग माफिया का बेस देखेंगे। आप ग्रान खान भाई मुझसे नाराज मत हो प्लीज मेरे भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम पक्का देखेंगे। आरिश भाई, डगन बॉस से गोल्ड माने, तुम मेरा कमेंट्स नहीं पढ़ते हो। आरिश भाई, डगन बॉस के पास गोल्ड माइन है। हाँ भाई गोल्ड माइन है, और भाई मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, थोड़े बड़े कमेंट्स किया करो। मैं कितनी बार आपको बोला है आयुष भाई, कार शोरूम एकदम मस्त है, ठीक है भाई। बहुत बड़ा कार शोरूम ले लो, ठीक है भाई। भाई मुझे इल्यूमिनाटी ज्वाइन करना है। एलसी लौंडा भाई, आप ऑलरेडी ज्वाइंड हो, ये देखो तुम्हारे पास ना है ये जो है ना तुम्हारे पास, तो भाई तुम ऑलरेडी ज्वाइन हो। आयुष भाई बोल रखता हूँ, थैंक यू, ठीक है भाई। और ये आ गए हमारे एक प्यारे भाई, और सही इल्म सही सच्चा साथी। हाँ सही इल्म सच्चा साथी। और भाई ये देखो, ये भी हमारी इल्यूमिनाटी गैंग के हिस्से हैं, क्योंकि इनके पास भी देखो ये वाला हार्ट है, देख रहे हो ना, जिसके पास ये वाला पर्पल कलर का हार्ट होगा ना, समझ लो वो हमारी इल्यूमिनाटी गैंग का हिस्सा है। भैया आपसे कितना प्यार करता हूँ, लव यू भैया, प्लीज़ ज्वाइन आर्मी भैया। भाई ऑलरेडी तुमने मेरी आर्मी को ज्वाइन किया हुआ है, आपका डेली वीडियो में देख करता हूँ, और डेली वीडियो देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ, प्लीज़ टीम में ज्वाइन कर लो प्लीज़। भाई आप ऑलरेडी मेरी टीम में ज्वाइन हो, मेरे भाई ऑलरेडी टीम में ज्वाइन हो, दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो, देख रहे हो, और इनफैक्ट देखो मैं तुमसे यहाँ पर एक बात और बोलूँगा, हम ना अब पता क्या किया करेंगे, मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ अब तुम्हें हमें क्या करना है। देखो मेरा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, ठीक है, और मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर का ना अब एक लिंक दूंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, उस पर आना है, ठीक है। वहाँ पर आने के बाद ना हम वहाँ पर बैठेंगे, आप सब मुझसे बातचीत करना, और हम आपस में बैठ करना डिस्कशन करेंगे कि हमें आगे क्या क्या करना है, आपको मुझे राय देनी है सब कुछ, ठीक है। तो वहाँ पर सारी की सारी हम बातें किया करेंगे, ठीक है दोस्तों। भाई अब मैं कमेंट्स नहीं करने वाला, रोज इग्नोर कर देते हो। D07, अरे मेरे भाई थोड़े बड़े कमेंट्स करो ना मेरी जान, थोड़े बड़े कमेंट्स करो। इल्यूमिनाटी कैसे बनोगे भाई? भाई ये देखो ये वाला लोगो आ जाएगा तुम्हारे पास, अभी तुम्हारे पास नहीं आया भाई, डेली कमेंट करने पड़ेंगे भाई तुम्हें। ब्रो वाइट हॉर्स ले लो, उसका नाम पारस रखो, ठीक है भाई। माइकल एके गेमिंग का डैड है। आरिश भाई तुम इंडियन कार स्पोर्ट्यूनर स्कॉर्पियो परचेज कर लो, ठीक है भाई। आरिश भाई अपने साथ 20 सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर चलो, ठीक है भाई। फिलहाल अभी कोई भी इंटरेस्टिंग कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल हैं, बट बेसिकली मैं स्क्रीन पढ़ना भाई सबके कमेंट्स लेकर आता हूँ। आरिश भाई मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, हाँ भाई मैं बेस दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। 1 रुपए की पेप्सी आरिश भाई सैक्सी, अब जो स्टोर लेने वाले हो वो रेनोवेट करवा लेना। अरे ये मैं लेने ही नहीं वाला यार, मैं बड़ा वाला ही खरीदूंगा, बहुत लोगों को बड़ा वाला ही शोरूम पसंद है और वही खरीदेंगे भाई। और ये हैं हमारे बॉय गेमर जो है ना दोस्तों, हाय लिखा है इन्होंने, इनको हेलो लिखता हूँ मैं, हेलो ब्रो, ठीक है। आप सभी लोग जिनके ऊपर पर्पल कमेंट है वो है इल्यूमिनाटी 1, और ये है इल्यूमिनाटी 2.0, ये बॉय गेमर इल्यूमिनाटी 2.0, क्योंकि ये हमारे चैनल के मेंबर हैं। ये देखो इनके ऊपर एक स्पेशल लोगो भी आता है, और मैं अपने चैनल की मेंबरशिप अभी मेरे हिसाब से 150 रुपये है, बट मैं उसको बहुत सस्ती करने वाला हूँ, 50 रुपये या 20-30 रुपये कर दूंगा, ताकि सब ज्वाइन हो जाओ तुम। 20 रुपये तो दे ही सकते हो ना, 20-30 रुपये तो ज्वाइन खरीदोगे ना, 20-30 रुपये क्या होता है, उस तरीके तो तुम चीज़ भी खा लेते हो, इससे बढ़िया यहाँ पर ज्वाइन हो जाओगे तो एकदम स्पेशल कमेंट आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना, मैं स्पेशल यहाँ पर लोगोज वगैरह भी डालने वाला हूँ, और काफी सस्ती करने वाला हूँ मेंबरशिप, तो तुम इससे खरीद लेना, ठीक है।
होम व्लॉग्स करो, ठीक है भाई, कमेंट स्पिन कर दो भाई, नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। चलो अब जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है दोस्तों, फटाफट नीचे करते हैं। क्या हाल है भाई? भाई मेरे हाल बहुत मस्त है, आप बताओ आप कैसे हो? सभी को जी वैगन गिफ्ट कर दो टीम को, ठीक है भाई, कितना बड़ा कमेंट, मजा आ गया। चलो चलो चलो, नाइस नाइस नाइस। लो भाई मेरे दिल, अरे भाई मोगो गेमर क्या बात है, दिल दे दिया आपने तो अपने। आओगे भाई बड़े वाले मोटर ले लो और भाई अपने शोरूम पर रखो, ठीक है भाई, ठीक है ऐसे ही करूंगा भाई। लेस्टर को लैम्बोर्गिनी सियान गिफ्ट करो, ठीक है भाई। राज भाई मेरा कमेंट का रिप्लाई कर दो, टाटा सुमो को गेम में लेके आओ, बहुत सेक्सी लगेगी टाटा सुमो। चलो ठीक है, देख लूंगा मैं, अगर मिलती हो तो ले आऊंगा। अरे भाई सही, आप बिल्कुल ज्वाइन हो यार ऑलरेडी, ये देखो। और अगर आप इल्यूमिनेटी 2.0 बनना चाहते हो ना, 20 रुपये या फिर 30 रुपये, मैं देख लूँगा लास्ट कितनी कम हो सकती हो मेंबरशिप। अगर 49 रुपये हुई या 50 रुपये तो हुई तो मैं उतनी सस्ती कर दूंगा, फिर आप एकदम हमारे चैनल के मेम्बर बन जाना, ठीक है। देखता हूँ कितने हमारे चैनल के मेम्बर बनते हैं। आज भाई मेरे को इल्यूमिनेटी वीडियोज़ बहुत अच्छी लगती है, टेक्नो गेमर्स की नहीं, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई। भाई आप हमेशा सक्षम भाई का ही नाम नाम हमारा नाम कभी नहीं लेते हो भाई, मेरा नाम लो नकुल चौहान प्लीज़। अरे नकुल चौहान मेरे भाई, देखो आप उदास मत हो, मैं आपको मेन बात बता दूँ, जो सक्षम भाई ना वो डेली कमेंट करते हैं, आपको भी डेली कमेंट करना है, और वो हमारे इल्यूमिनाटी गैंग का मतलब हिस्सा है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो तो आप इल्यूमिनाटी 2.0 गैंग का हिस्सा बन सकते हो मेरे चैनल की मेंबरशिप लेकर, और मैं अपनी मेंबरशिप बहुत सस्ती यहां पर करने वाला हूं, तो आप 30-40 रुपये में मेरी मेंबरशिप ले सकते हो। और आपको यहां पर आपका कमेंट कभी भी ऐसे नहीं होगा कि मैं पढ़ूंगा नहीं, हर कमेंट पढ़ने वाला हूं फिर मैं, समझ गए। स्टार्क मेंशन बाय कर लो, ठीक है भाई, ठीक है। आयुष भाई उसमें प्रॉपर्टी ले लो, बहुत ज्यादा आइसलैंड है दूसरी भाई, ठीक है भाई। बुगाटी बोल्ड, ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारी सारी बात, समझ गया, मैंने कमेंट आपका ऑलरेडी रीड कर रखा है। श्वेता मिश्रा भाई ठीक है, टेंशन ना लो। और स्टार्क मेंशन तो भाई मैंने परचेज कर ही लिया है भाई, देख रहे हो कितने बड़े बड़े कमेंट करते हैं लोग वाक मुझे, देख रहे हो, ये चेक करो ये चेक करो भाई। एक वेट बज मंगाओ, वाइट बैज बाज, अच्छा बाज बोल रहे हो आप, ये देखो हमारे लकी भाई ने कितने बड़े बड़े दिल भेज रखे हैं यहाँ पर, गुलाबी गुलाबी मस्त 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 लकी भाई, तुम ही छा गए यार स्क्रीन पे, पूरी स्क्रीन पे तुम ही छा गए हो। हेयर स्टाइल चेंज करवा लो प्लीज, ठीक है भाई। आरिश भाई बढ़िया। चलिए गाइज ऑल राइट, मैंने सारे के सारे कमेंट्स मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है पढ़ लिए हैं ज़्यादातर, हाँ बस सारे के सारे हो गए हाँ। और आरिश भाई एक फ़ोटो ले लो, और गाइज मेरी बात सुनो, अब जितने भी मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों कमेंट्स पढ़े हैं, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के कमेंट्स वगैरह करने के लिए। और जो मेंबर वाली बात है भाई, वो मैं भी यहाँ पर जो बहुत जल्दी से दोस्तों करने वाला, तो फटाफट आप जल्दी से वो भी यहाँ पर काम करा देना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी, लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाकी मैं मिलूंगा आपसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए। Bye-bye.